बच्चों भाई साहब यस मलिक वेरी 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 गुड आफ्टरनून आप सभी का इस पूरे फ्री फास्ट ट्रैक के अंदर में। ध्यान से सुनिएगा जो बच्चे फास्ट ट्रैक देख रहे हैं, इसकी अगर आपको बुक चाहिए तो vlearnclasses.com ekatvamacademy.com या wowclass.com के ऊपर मिल जाएगी। ये है फास्ट ट्रैक बुक प्लस क्वेश्चन एयर का सेट आपको लेना है सो दैट आप इन दोनों को साथ साथ में चला सकें। यस अगर आपके पास कोई बुक ऑलरेडी है जिसको आप रेफर कर रहे हैं दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं इस फास्ट ट्रैक को देखते हुए। यस और नो, चलिए कहां है हम। टॉपिक चल रहा है पबजी आई मीन पीजीबीपी। यस पीजीबीपी एंड दिस इज द लास्ट हेड वी आर गोइंग ऑन। यस इसके पहले के सारे हेड कंप्लीट हो चुके हैं, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लो और उसके अंदर में सारे हेड्स कवर किए गए हैं। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलना। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया या अच्छा नहीं कर रहे हो, मेरी मार्केटिंग ने मेरे को बहुत डांट दिया आपके चक्कर में। चलिए व्हाट वाज द लास्ट सेक्शन वी वर डूइंग, उससे पहले हम रिवीजन करेंगे कि हम लोगों ने कौन कौन सा सेक्शन पढ़े है, क्या तुम्हें याद है। चलो सबसे पहले हम लोगों ने वो जो छोटे छोटे सेक्शन थे 213 बिजनेस, 236 प्रोफेशन, 211 ब्लॉक ऑफ असेट्स, ये तीन सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट नहीं रखते बट है। 28 वॉज चार्जिंग सेक्शन से यस। सेक्शन 21 हमें बताता है, सेक्शन 21 हमें बताता है कौन सा इनकम पीजीबीपी के अंदर में टैक्सेबल है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था 30, बोलना बेटा 30, बता 30 क्या था, 30 क्या था, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस विद रिस्पेक्ट टू प्रीमाइसेस। तो जो बिल्डिंग बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है उसका कैपिटल रिपेयर्स अलाउड है या यस और नो, क्या उसका कैपिटल रिपेयर्स अलाउड है क्या, यस और नो, नहीं कैपिटल रिपेयर्स अलाउड नहीं है पर इंश्योरेंस अलाउड है। जल्दी जल्दी आवाज निकालते जाओ, शांत मत बैठो, इस जीवन में अगर कुछ करना है तो बवाल मचाना होगा, जल्दी से बोलिए ये सुनो, जल्दी बोलो। टैक्सेस अलाउड है, आवाज नहीं आई। सेक्शन 31 किस बारे में बात कर रहा था, किस बारे में बात कर रहा था, बोलो जल्दी से। प्लांट एंड मशीनरी, यस प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड रेंट अलाउड है। कैपिटल रिपेयर्स अलाउड है, रेवेन्यू रिपेयर्स अलाउड है। चलिए इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बेटा सेक्शन 32 किस बारे में बात कर रहा था बेटा, डेप्रिसिएशन। चार कंडीशन थी डेप्रिसिएशन के लिए, एसएससी मस्ट बी ओनर, असेट मस्ट बी पुट टू यूज, जिस साल एक्वायर किया 180 दिन से ज्यादा यूज किया तो, 180 दिन से कम यूज किया तो हाफ डेप्रिसिएशन। असेट मस्ट बी यूज्ड इन बिजनेस एंड डेप्रिसिएशन इज एट स्पेसिफाइड रेट। बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटेंजिबल, गुडविल मिलता नहीं है, एंड वो प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, चार्जर, यस। अच्छा जी इसके बाद हम लोगों ने देखा था वो WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ असेट, WDV कैसे निकालते ये हमें पढ़ा था 43.6 के अंदर में। यस कहां पड़ता बेटा, 43.6 ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट लेस सेल डिस्कार्डेड डिमोलिश ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर क्या आ जाएगा एक्चुअल कॉस्ट, सॉरी WDV। एक्चुअल कॉस्ट हम लोगों ने पढ़ा था 43.1 में, याद है तुम्हें, अलग अलग केस में क्या एक्चुअल कॉस्ट रहेगा। 32.11 ना, डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट। आहो क्या उनके पास ऑप्शन है, हर तरीके के लिए असेट के लिए ऑप्शन है कि सिर्फ टैंजिबल असेट्स के लिए ऑप्शन है, यस और नो। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा 32.12A एडिशनल डेप्रिसिएशन, असेसी मस्ट बी एंगेज्ड इन और पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन और प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन, क्या एक्वायर करना है, क्या सेकेंड हैंड चलेगा, मैंने ऑफिस में लगाया चलेगा, मैंने गेस्ट हाउस में लगाया चलेगा, जिसका होल कॉस्ट अलाउड रिडक्शन है वो चलेगा, ये असेट कितने तारीख के बाद एक्वायर करनी है, 2005 याद आ रहा है क्या। एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, कितना बेटा 20% याद आ रहा है। अच्छा 180 दिन से कम यूज किया तो, एंड बैलेंस ऑफ इन द
आहो। इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था 32:2, और जिसको याद नहीं आ रहा वो जाके अपनी बुक पलटाए। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, क्या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन? किसी भी हेड के अगेंस्ट में माइनस किया जा सकता है, उसका लाइफ बढ़ाना। एक्सेप्ट सैलरी, क्या ये कितने भी पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? और क्या ये कितने भी पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? यस। मैंने रिटर्न नहीं भरा क्या तो भी ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? आहो, चलो जी मालिक, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बेड़े 48:2। जी हाँ दोस्तों, आपके शहर में खास आप ही के लिए 48:2। आइए और अपने रिलेटिव्स को भी लाइए। याद आ रहा है, एनी पेमेंट मेड टू रिलेटिव। जो एक्सेस पेमेंट डिसअलाउड है कि पूरा पेमेंट डिसअलाउड है? ओनली एक्सेस पेमेंट डिसअलाउड है। आहो, और दोस्तों आप ही के लिए 48:3, एनी पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे फॉर अ सिंगल बिल एक्सीडिंग और इन केस ऑफ GTA, यस, अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट और ECS और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। एक दिन वो मेरे सपने में आई और उसने कहा रूल 6 अब्बा के पास जाइए। बताइए रूल 6 अब्बा कौन कौन से मोड? भीम पे चलेगा, UPI चलेगा, डेबिट कार्ड चलेगा, क्रेडिट कार्ड चलेगा, RTGS चलेगा, IMPS चलेगा, सब चलेगा। इसके बाद हमें बताया गया था, लेकिन हर पेमेंट ऑनलाइन में तो नहीं हो सकता ना रे, तो इसके कुछ एक्सेप्शन है। कहाँ एक्सेप्शन है? रूल 6 दीदी, बताइए। फार्मर को दिया फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, चलेगा? गवर्नमेंट को दिया चलेगा? LIC को दिया चलेगा? RBI को दिया चलेगा? रिटायरमेंट बेनिफिट का 50,000 रुपए तक के दिया चलेगा? चलो जी, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था 35CCA, रूरल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 100% अलॉटेज रिडक्शन। ओ ये 35CCC हुआ है? नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। 36 अदर डिडक्शन की बात चल रही है? आहो, अदर डिडक्शन की बात चल रही है क्या? यस, अदर डिडक्शन के बाद हमने पढ़ा था 37:1, किस बारे में बात कर रहा है? बोलो बेटा, जनरल डिडक्शन। किस बारे में बात कर रहा है? बोलो बेटा, जनरल डिडक्शन। जनरल डिडक्शन 5 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। इट शुड नॉट बी कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट कवर्ड अंडर 36, इट शुड बी रियल एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। याद आ रहा है मेरा बच्चा? 38 हमसे बात कर रहा था, पार्टली बिजनेस पार्टली पर्सनल एक्सपेंसेस। यस, ये वो क्या करेगा? बिजनेस वाला अलाओ, पर्सनल वाला डिसअलाओ। क्लियर है? ओ जी क्लियर है। और कोई सेक्शन पढ़ा था हमने? और कोई सेक्शन पढ़ा था? 40A7, 40A9 हुआ है? नहीं। तो चलिए आज का लेक्चर में सबसे पहले आते हैं, लास्ट थिंग जो हम पढ़ रहे थे वो थी 36 की एक लिस्ट, और 36 की लिस्ट में लास्ट कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। याद आ रहा है क्या तुमको? फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर 1/5 बेसिस पे अलाउड है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर 1/5 बेसिस पे अलाउड है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। 36 की लिस्ट को आगे बढ़ाएंगे। मैं हूं पेज नंबर 8.5 पे, चाहता हूं तुम भी आ जाओ। आगे बेटा चलिए नेक्स्ट। हम 36 वो लिस्ट पढ़ रहे हैं जो खर्चे अलाउड है। 36 में हम क्या कर रहे हैं बेटा? वो लिस्ट पढ़ रहे हैं जिनके खर्चे अलाउड एज डिडक्शन है। कैसा है बेटा? अलाउड एज डिडक्शन। अब ये जो खर्चे जो अलाउड एज डिडक्शन है, ये जो खर्चे हैं जो अलाउड एज डिडक्शन है, राइट, इस लिस्ट में आगे बढ़ते हुए बताते हैं हम BCTT एंड STT। BCTT दैट इज बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स। बैंकिंग टैक्स लगाता है, कॉल्ड एज बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, अलाउड एज डिडक्शन बिकॉज़ इट्स अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। ठीक उसी तरीके से कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड STT,
कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो लोग कमोडिटी ट्रेड करते हैं इनको एक टैक्स लगता है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अलाउड एज डिडक्शन। एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, अगर तुम भूले नहीं हो तो कैपिटल गेन जब हम पढ़ रहे थे मेरे जान, जब हम कैपिटल गेन पढ़ रहे थे तब हमने देखा था एसटीटी पेड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। अब हम बात कर रहे हैं जो ट्रेडर है, स्पेक्यूलेटिव ट्रेडर है, उनका एसटीटी पेड इज अलाउड एज डिडक्शन। क्लियर है मालिक? हाँ जी। नेक्स्ट, मार्क टू मार्केट लॉस और अदर एक्सपेक्टेड लॉस एज पर आईसीडीएस। मार्क टू मार्केट लॉस और अदर एक्सपेक्टेड लॉस, जितना आईसीडीएस ने बोला उतना। तो अगर कोई व्यक्ति फॉरवर्ड ट्रेडिंग में है, उनको अगर कोई मार्क टू मार्केट लॉस आता है तो ये लॉस अलाउड है एज डिडक्शन, पर उतना ही जितना आईसीडीएस ने बोला। अब अगर आपको ये पॉइंट आता भी है तो कैसे आएगा? आपको बोला जाएगा भैया मार्क टू मार्केट लॉस आया 8 लाख रुपीज, एज पर आईसीडीएस इज 6 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज क्या करेंगे आप एड बैक। प्रो राटा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अंडर द जीरो कूपन बॉन्ड, अंडर द जीरो कूपन बॉन्ड, प्रो राटा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। ये जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? कितने तेजस्वी लोग थे भारत के, चलिए कुछ स्टोरी बताता हूं, मजा आएगा आपको। सर हुआ ये कि लोगों जब बॉन्ड इशू करते थे, इस बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट दिया करते थे। एफएम की भाषा में कूपन कहा जाता है इंटरेस्ट को, क्या कहा जाता है? कूपन, बराबर है। सो होता यह था, ये इंटरेस्ट को टैक्स किया जाता था। तो ये कंपनीज भागते भागते उन साधु महात्माओं के पास गई, कहा प्रभु पथ प्रदर्शित करो, ये जो इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट टैक्सेबल है और ये टैक्स भरने से लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, सर कुछ लाइए, कुछ चॉकलेट सा लेके आइए जो सबको पसंद आए। हाँ हाँ, चॉकलेट डे है ना, हाँ बढ़िया बढ़िया, ध्यान से सुनिए, आ रहा है आ रहा है। तो उन्होंने बोला कुछ चॉकलेट सा लाए जो सबको पसंद आए। तो हुआ ये कि जो प्रोफेशनल्स थे इन्होंने बोला कि भैया आप एक काम कीजिए, आप जीरो कूपन बॉन्ड इशू क्यों नहीं कर देते, आप क्या इशू नहीं कर देते, जीरो कूपन बॉन्ड इशू क्यों नहीं कर देते। उन्होंने बोला भैया जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? बोले देखिए, आप 100 रुपए के ऊपर 2 रुपए इंटरेस्ट दें या 8 रुपए कलेक्ट करें और 10 रुपए रीपे करें, बात तो एक ही, आपको देना तो दो ही है। तो आप एक काम कीजिए, पार पे रिडीम कीजिए और डिस्काउंट पे इशू कर दीजिए। सो व्हाट इज जीरो कूपन बॉन्ड? अ बॉन्ड व्हिच इज इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। समझ में आ रही बात? और आप इसको बोलिए जीरो कूपन बॉन्ड, मतलब ऐसा बॉन्ड जिसके ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं। हालांकि डिफरेंस इंटरेस्ट ही है, नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। समझ में आ रही बात? तो उन्होंने बोला कि भैया तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम यू नो सेम इंटरेस्ट वैसे भी दे रहे हो, तो तुम इंटरेस्ट इस तरीके से दे दो, डिस्काउंट दिखाओ और डिस्काउंट का इंटरेस्ट दे दो। अब ये जो डिफरेंस पे किया जा रहा है, मतलब आपको 8 रुपए रिसीव हो रहे हैं, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन आप कितने दे रहे हैं? 10 है, तो ये भी इंटरेस्ट ही, बोलो हाँ, डिडक्शन तो इसका भी मिलना चाहिए, बोलो हाँ, अरे हाँ। तो उन्होंने बोला कि ये जो डिस्काउंट है 2 रुपए का, दैट विल बी अपोर्शनड ओवर द लाइफ ऑफ बॉन्ड्स, दिस विल बी अपोर्शनड ओवर द लाइफ ऑफ बॉन्ड, दिस विल बी अपोर्शनड ओवर द लाइफ ऑफ बॉन्ड। सो बॉन्ड 10 रुपए का है तो 2 / 10, ये हर साल अलाउड एज डिडक्शन। यस, द नेक्स्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट इज एक्सपेंसेस बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर परचेज ऑफ शुगर केन एट प्राइस इक्वल टू और लेस देन सेट बाय गवर्नमेंट। क्या जबरदस्त टैक्स प्लानिंग थी और गवर्नमेंट ने इसे किस तरीके से रोका? चाय पिलाओगे तो बताऊंगा, पिला दोगे? चलो ठीक है। देखिए हुआ क्या, तो ये थे एक फार्मर, ये कौन थे बेटा? एक फार्मर, फार्मर का नाम था ADZ, ठीक है, अभिषेक सर फार्मर थे। एक कंपनी थी, बराबर है, वाओ शुगर्स, काफी फैला हुआ बिजनेस है, राइट, शुगर कैंडीज बनाते हैं। अरे वो आता नहीं है शुगर की चॉकलेट्स, हाँ शुगर कैंडीज बनाते हैं, वाओ शुगर्स काफी फैला हुआ बिजनेस है। तो एक दिन हुआ क्या, जरा ध्यान से सुनिए, कंपनी शुगर्स बनाती थी, तो ये जो फार्मर थे ये अपने, इनके पास गन्ने थे, बड़े बड़े गन्ने थे इनके पास, गन्ने दिख रहे हैं तुमको, इनके पास गन्ने थे। इन्होंने मिल करके एक टैक्स प्लानिंग का नया तरीका ढूंढा, इन्होंने मिल करके टैक्स प्लानिंग का एक नया तरीका ढूंढा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला देख, आपको पता है इसमें बीच में गवर्नमेंट भी होती है जो प्राइस फिक्स करती है, जिसको MSP कहा जाता है। आपके घर में अगर कोई कहां से रिलेटेड है, यू नो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आपको समझ में आएगा, गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स करती है, इसको MSP बोला जाता है। जनरली जो MSP भी होता है ना बेटा, वो मार्केट में हायर वैल्यू का होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे जो रिलेटेड है ये बताते हैं कि गवर्नमेंट गेहूं खरीदती है, इसके लिए एक चिट्ठी लगती है, पावती बोलते बेटा उसको। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गेहूं खरीदती है, जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं इनको टारगेट होता है कि भैया 10 टन 20 टन 50 टन 100 टन इस तरीके से परचेज करना है हमको।
मार्केट में गेहूं का रेट 1600 से 1800 डिपेंडिंग अपॉन अच्छा जिस तरीके का क्वालिटी आप सिलेक्ट करते हैं, मैक्स टू मैक्स 1800-1900 रुपए होगा, ठीक है। गवर्नमेंट एमएसपी कितने में बाय करती है आपको पता है? 2400। तो सपोज किसी फार्मर को 20 टन का क्या मिलता था, टारगेट मिलता था, तो 20 टन वाले क्या करते हैं मालूम है? और उसके पास हुआ 10 टन, वो क्या करता था, 10 टन तो खुद का लगा देता था, बचा हुआ 10 टन वो कैसे पूरा करता था, मार्केट से 1800 में खरीदता था और 24 को गवर्नमेंट में चिपका देता। कई लोग ऐसा करते हैं, अपन ने आज तक ऐसा नहीं करवाया, ना क्लाइंट को कभी बोला ऐसा करने के लिए। तो लोग इस तरीके के चीजें करने चालू कर चुके हैं। अब कंपनीज क्या करती थी, जरा देखिए, सपोज गवर्नमेंट ने प्राइस डिसाइड कर लिया 2400 रुपीज फॉर अ पर्टिकुलर बैग और क्विंटल और व्हाट्स एवर डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट। ये जो शुगर कंपनीज थी ना, शुगर कोऑपरेटिव थी, राइट, ये जो शुगर कोऑपरेटिव थी ये क्या करती थी, मेनली फार्मर्स को सीधा 3000 रुपये दे देती थी। गवर्नमेंट ने प्राइस क्या डिसाइड किया, 2400, ये कितने में दे देते थे, 3000। इनको बोलते थे एमएसपी का 2400 रुपये रखो, बचे हुए 600 रुपये कैश ला के दो। फायदा क्या हुआ दोनों को, शुगर कंपनीज परचेसेस बुक कर रही है 3000 में, परचेसेस हाई तो प्रॉफिट लो, बराबर। दूसरी बात, ऑनलाइन पेमेंट करते थे, फार्मर के हाथ में इनकम एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1), तो ये 3000 ले या 3500 ले इसको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, पर एटलीस्ट इसका कंपनी से रेपो सेट हो जाता था कि जो जाएगा तुम्हारे पास से जाएगा। इधर भी जीत, इधर भी जीत। कई सालों बाद गवर्नमेंट को समझ में आया कि ये लोग तो हमें ए बी सी डी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ए बी सी डी, बच्चा समझ रखा है इन्होंने हमें। गवर्नमेंट ने प्रोविजन लेके आ गई, बोला बेटा प्राइस इक्वल टू पे बाई किया या इससे कम में बाई किया हम डिडक्शन देंगे, ऊपर में बाई किया डिसअलाउ। अब पढ़ो वर्ड क्या लिखा है, एक्सपेंसेस बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर परचेस ऑफ शुगर केन एट अ प्राइस इक्वल टू और लेस देन सेट बाय गवर्नमेंट, इक्वल टू और लेस देन सेट बाय गवर्नमेंट। समझ में आ रही बात, ये अलाउड है, एक्सेस जितना होगा एक्सेस डिसअलाउ हो जाएगा। तो 600 रुपए अपने एग्जाम्पल में वो क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ। क्लियर है मालिक, दैट वॉज योर सेक्शन 36। डन मालिक, चलो आओ नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज 43B। हम अदर डे डिस्कस कर रहे थे 43B पे आएंगे, 43B पे आएंगे, तो चलो अब हम 43B पे चलते हैं। पेज नंबर 4, 43B, मार्केट एज इंपॉर्टेंट, मार्केट एज इंपॉर्टेंट, बराबर। 43B कंफर्म एग्जाम में आएगा, मई 23, नवंबर 23, जून 23, दिसंबर 23, आपके अटेम्प्ट में कंफर्म आएगा, थैंक मी लेटर, ठीक है। हाल फिलहाल में आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। चलो अब समझिए, राइट, अब समझिए ये कंसेप्ट कहता क्या है। अकाउंटिंग इज अ फनी, वेरी फनी लैंग्वेज, ये तो आप जानते ही हैं, बराबर है। अकाउंट के बिना भी कुछ नहीं होता और उसके साथ भी कुछ नहीं होता, बराबर है। अब अकाउंट्स के अंदर में क्या होता था, अकाउंट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें क्या करता है, प्रोविजन बनाने को कहता है। लॉजिकली कुछ पेमेंट्स ऐसे होते हैं जो ईयर एंड पे नहीं हो पाते, जिसके लिए आप प्रोविजन बना दीजिए और ईयर एंड होने के बाद आप उसको एक्चुअली पे कर दीजिए। मतलब सर्टन पेमेंट्स आर देयर विच आर एक्चुअली पेड आफ्टर द ईयर एंड, बराबर है, जिसके लिए आपने प्रोविजन बना के रख दी। अब कई लोग क्या करते थे, प्रोविजन बना करके प्रॉफिट तो कम कर लेते थे लेकिन इसको एक्चुअली पे ही नहीं करते थे, 1 साल 2 साल, या पे करते थे तो बहुत लेट पे करते थे। अब डिडक्शन तो इनकम टैक्स में उन्होंने पहले क्लेम कर लिया, हेलो, दे हैव क्लेम द डिडक्शन इन द इनकम टैक्स बट दे हैव नॉट एक्चुअली पेड। सो इनकम टैक्स केम अप विद अ सेक्शन कॉल्ड एज 43B, इसको अलग शब्दों में 43(2) भी कहा जाता है। तो कुछ रेफरेंस बुक इसे 43(2) लिखती है, कुछ रेफरेंस बुक इसे 43B लिखती है, दोनों का मीनिंग सेम है, कल अलग का, राइट। तो मुझे विजय भी बुलाया जाता है और मेरे मामा घर मुझे संतरा बुलाया जाता है, तो बात तो एक ही है। सर संतरा क्यों, आई बिलोंग टू नागपुर, तो मेरे को संतरा बुलाया जाता है, बात दोनों की एक ही है कि मामा कुछ भी बोल सकते हैं ना, दोनों का नाम एक है। अब सेक्शन लाया, सेक्शन ला करके क्या बोला, ध्यान से सुनना मेरा बच्चा, सेक्शन ला करके बोला भले ही ईयर एंड के बाद पे करो, हेलो आपका ध्यान है, भले ही ईयर एंड के बाद पे करो पर रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले पे कर दो, हम डिडक्शन दे देंगे। और रिटर्न भरने की ड्यू डेट तक के भी आपने पेमेंट नहीं किया तो जिस साल पेमेंट किया उस साल डिडक्शन हो जाएगा। चलिए इसे थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने ईयर
एंड पे पहले अब लेट्स से ईयर एंड पे आपने प्रोविजन बना दी बोनस की, ये बोनस आपने नवंबर में पे किया, अब जरा सोच के देखिए ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न या तो जुलाई है या तो अक्टूबर है, कुछ याद कर लीजिए, हेलो राइट, रिटर्न फाइलिंग की डेट है या तो जुलाई या तो अक्टूबर, अब आपने जो रिटर्न भरा, आपने जो मेरे भाई रिटर्न भरा ये नवंबर सॉरी अक्टूबर में रिटर्न भर दिया, लेकिन बोनस का पेमेंट आपने नवंबर में किया, प्रोविजन कब बना दी मार्च, एक्चुअल पेमेंट कब हुआ नवंबर, रिटर्न फाइलिंग डेट क्या थी अक्टूबर, क्या ये पेमेंट जो हुआ ये रिटर्न फाइलिंग डेट से पहले हुआ, अलाउ होना चाहिए, ये एक्सपेंसेस को आप सीधा सीधा नेट प्रॉफिट में एडबैक कर देंगे, ये एक्सपेंसेस को आप सीधा सीधा नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे एडबैक। हालांकि अगले साल एक्चुअल पेमेंट तो उस साल हो चुका है, नेक्स्ट ईयर वो पेमेंट को आप अलाउ करेंगे, इस साल आप डिसअलाउ करेंगे, नवंबर में हुआ है तो आप उसे अगले साल का एक्सपेंसेस बोल के अलाउ कर देंगे, समझ में आ रही बात। तो कौन से साल में अलाउ होगा बस इस पे डिपेंड करता है, रिटर्न भरने से पहले कर दिया तो जिस साल में प्रोविजन बनाई उस साल में अलाउ, रिटर्न भरने के बाद किया तो जिस साल एक्चुअली पे हो रहा है उस साल में वो डिडक्शन बोल के क्लेम किया जाएगा, कड़ल का यस। तो सेक्शन क्यों लाया गया था, क्योंकि लोग प्रोविजन बनाते थे लेकिन पेमेंट नहीं करते थे, और इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कुछ चीजें पेमेंट बेसिस पे ही हम अलाउ करेंगे, इसी के लिए सेक्शन का नाम पड़ा एक्चुअल पेमेंट। यस और नो, यस और नो, चलो आ जाओ, आ जाओ जी। 43B एक्चुअल पेमेंट कंफर्म एग्जाम में आएगा, ध्यान से सुनना। फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर अलाउड ओनली 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 इफ द पेमेंट्स आर मेड बिफोर फाइलिंग ROI, और अगर रिटर्न भरने के बाद हुआ तो जिस साल वो एक्चुअली पे हो रहा है उस साल का डिडक्शन ले लेंगे। पहला, एनी टैक्सेस ड्यूटीज एंड सेस, किसी भी प्रकार का टैक्सेस ड्यूटीज एंड सेस एक्चुअली पे हुआ तो डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड RPF, SPF, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, सुपर एन्युएशन फंड, एम्प्लॉयर ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड के ऊपर वो रिटर्न भरने से पहले हुआ अलाउड, रिटर्न भरने के बाद हुआ इन द ईयर ऑफ पेमेंट। तीसरा, बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय को बोनस या कमीशन दिया जा रहा है वो रियर एंड से पहले दैट इज रिटर्न भरने से पहले पे कर दिया अलाउ, अदरवाइज डिस अलाउ। डी पॉइंट से लेकर के नीचे लास्ट लाइन तक जितना है सब इंपॉर्टेंट, डी पॉइंट से लेकर के लास्ट में नीचे तक जो भी कुछ भी है ये सब इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे आएगा, नो इफ नो बट ओनली कट टू कट इस पे आएगा। डन, चलो आओ, डन है बच्चा। पहला, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है इसका भी हम प्रोविजन ही बना करके रखते हैं, आप सोचिए ये इंटरेस्ट भी आपने पे कर दिया बिफोर फाइलिंग द रिटर्न अलाउ अदरवाइज डिसअलाउ। सो इंटरेस्ट ऑन लोन टू एनी PFI, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, शेड्यूल्ड बैंक इंक्लूडिंग दी कोऑपरेटिव बैंक बट अदर देन अ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो पेमेंट किए जा रहे हैं इंटरेस्ट का पेमेंट अगर आपने बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न कर दिया अलाउड एज डिडक्शन अदरवाइज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। नेक्स्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, लीव एनकैशमेंट का पेमेंट, लीव एनकैशमेंट हम सभी जानते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लीव एनकैशमेंट प्रोवाइड करता है, रिटर्न भरने से पहले पे कर दिया अलाउ अदरवाइज डिसअलाउ। पेमेंट टू इंडियन रेलवेज फॉर यूज ऑफ इट्स असेट, हाल फिलहाल में एग्जामिनर का फेवरेट चल रहा है राइट, पेमेंट टू इंडियन रेलवेज फॉर यूज ऑफ इट्स असेट, कई लोग रेलवे एडवर्टीजमेंट्स करते थे, अब जरा सोचिए रेलवे में क्या क्या होता है, नहीं आई मीन रेलवे स्टेशन पे क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, लोग वहां पे अपनी दुकानें लगाते हैं उसका रेंट आता होगा, सोच के देखिए इंडियन रेलवे के लिए क्या। इंटरेस्ट ऑन लोन और बोरोइंग टेकन फ्रॉम NBFC, सिस्टमैटिकली डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC को भी अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, पहले NBFC कवर नहीं था बाद में कवर किया, इसलिए आपको ऊपर का पॉइंट अलग दिख रहा है और नीचे का पॉइंट अलग दिख रहा है, यस बट इंटरेस्ट कवर्ड है। इफ द पेमेंट इज मेड आफ्टर द ड्यू डेट देन डिडक्शन विल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट, इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट, अच्छा हा हा हा, इंटरेस्ट पेमेंट इज अलाउड एज डिडक्शन ओनली इफ इट इज पेड, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए क्योंकि कपल ऑफ टाइम्स ये कंसेप्ट पूछा है।
हम इंटरेस्ट का डिडक्शन तभी लेंगे जब वो रिटर्न भरने से पहले पे कर दिया। अब क्या होता था, कई लोग लोन रिपे नहीं कर पाते थे, इंटरेस्ट नहीं दे पाते थे, तो ये लोन बैंक के पास जाते थे। बैंक को बोलते थे, सर एक काम कीजिए ना, मेरा 1 लाख रुपए का लोन है जिसपे 20,000 का इंटरेस्ट बकाया है, मैं हाल फिलहाल में इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आप जानते हैं मैं अच्छे से पैसे दे सकता हूं, मेरी क्रेडिट एबिलिटी अच्छी है, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप मेरे लोन को ही रिस्ट्रक्चर कर दीजिए, इंस्टेड मेरा लोन जो था 1 लाख रुपए का, आप लोन अमाउंट 1:20 कर दीजिए। मेक सेंस? अरे भाई साहब बात समझ रही है क्या आपको? आर यू देयर? मेरा 1 लाख रुपए का लोन था, लोन ऑफ 1 लाख रुपीज, और 20,000 रुपीज इसके ऊपर क्या होता था बेटा, इंटरेस्ट होता था, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट नहीं पे कर पाते थे तो कुछ लोग बैंक के पास जाते थे, कहते थे लोन रिस्ट्रक्चर कर दो। क्या रिस्ट्रक्चर कर दो? लोन रिस्ट्रक्चर कर दो। और लोन रिस्ट्रक्चर करके क्या करिए सर, कि आप लोन ही अब मेरा 1,20,000 बताइए, इंटरेस्ट 1:20 पे लीजिए। कई बैंक इसको अग्री कर जाते थे। अब क्या हो गया, आपका लोन अमाउंट ही 120 हो गया। अब जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 20,000 पेंडिंग दिख रहा होगा वो तो अब आपके लोन अकाउंट में चल गया, और इंटरेस्ट अकाउंट जो पेंडिंग दिख रहा था वो हो गया जीरो। अकाउंटिंग के हिसाब से सोच के देना। हेलो, अरे जागती हुई आत्माओं, हेलो, मेरा इंटरेस्ट अगर लोन में कन्वर्ट हो गया तो ये लोन का अमाउंट यहां पे इंक्रीज हो गया, बैलेंस शीट इमेजिन कर, लोन का अमाउंट इधर इंक्रीज हो गया लायबिलिटी साइड में, यस, और इधर इंटरेस्ट पेबल गायब। अब इंटरेस्ट पेबल गायब हो गया तो कितने तेजस्वी लोग थे, जैसे ही इंटरेस्ट पेबल गायब होता था वो इनकम टैक्स में इसका डिडक्शन क्लेम कर लेते थे, क्योंकि इंटरेस्ट पेड दिख रहा है। अब इंटरेस्ट थोड़े ना, ये तो लोन अमाउंट बन गया ना, तो ये इंटरेस्ट पेड हो गया और वो इनकम टैक्स में इसका डिडक्शन ले लेते थे, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट से इंटरेस्ट पेबल तो गायब है। इतने तेजस्वी लोग थे हमारे यहां। कई बार असेसमेंट करते हुए इनकम टैक्स को समझ में आई ना, पिछले साल तो इंटरेस्ट पेबल दिख रहा था, पेमेंट में कहीं दिख ही नहीं रहा, तो ये पे कैसे हुआ? तब उनको पता चला कि इधर लोन का अमाउंट बढ़ गया। इट हैज बीन हेल्ड कि भैया इंटरेस्ट पेबल अगर लोन में कन्वर्ट हो जाए तो इसे एक्चुअल इंटरेस्ट पेड नहीं माना जाएगा। इसे क्या नहीं माना जाएगा? एक्चुअल नहीं माना जाएगा। मेक सेंस? क्योंकि वो एक्चुअली पेड है ही नहीं। सो ये लाइन एक्सप्लेनेशन 3C ऐड हुई, इट इज हियर बाय डिक्लेयर दैट एनी कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट पेबल इन टू लोन ऑन बोरोइंग, क्या बोला, एनी कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट पेबल इन टू लोन ऑन बोरोइंग शैल नॉट बी डीम्ड दैट सच इंटरेस्ट हैज बीन एक्चुअली पेड। ये कपल ऑफ टाइम्स पूछा हुआ है, इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया? लोग क्या करते थे, इंटरेस्ट पेबल गैप करके लोन अमाउंट बढ़ा देते थे और बोलते थे इंटरेस्ट तो पेड है। ऐसा नहीं है, यहां तक सब चल रहा था। अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट, ध्यान से सुनिए। अब लोगों ने लोन के साथ ऐसा किया, लोन के साथ जब ये बंद किया तो लोगों ने डिबेंचर के साथ यही चालू कर दिया। लोग क्या करते थे, जो इंटरेस्ट पेबल होता था उसको काय में कन्वर्ट कर देते थे, डिबेंचर या एनी अदर सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर देते थे। मतलब मान लीजिए हम एक कंपनी है अडानी ग्रुप, हम क्या नहीं कर पा रहे, इंटरेस्ट हाल फिलहाल में पे नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करते थे, उतने ही सब्सटैंशियल अमाउंट के डिबेंचर या अदर सिक्योरिटी उठा करके दे दिया। अब आपने अगर सिक्योरिटी उठा के दे दिया, जो इंटरेस्ट पेबल दिख रहा था वो हटके सिक्योरिटी ऊपर कैपिटल में आ गया, इंटरेस्ट पेबल गायब हो गया, इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर लिया, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, खत्म हो गई बात। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नया ये समझ में आया, इस साल इस पे रोक लगाया, कहा कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट पेबल इनटू डिबेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट बाय विच लाइबिलिटी टू पे इज डिफर्ड टू अ फ्यूचर डेट shall not be deemed to have been paid, इसे नहीं माना जाएगा कि ये एक्चुअली पे हुआ है। समझ में आया अमेंडमेंट क्या हुआ है? सो अमेंडमेंट ये हुआ है, दोनों भी पार्ट को समझ लीजिए, लास्ट के दोनों पॉइंट पे ही कंफर्म आपको क्वेश्चन है, आपका इंटरेस्ट पेबल को लोन में कन्वर्ट कर दिया या इंटरेस्ट पेबल को डिबेंचर या अदर सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एक्चुअली पेड। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस पे आपको, आपको सबसे पहले इंटरेस्ट दिखाया जाएगा पीएनएल में, नीचे लिखा जाएगा आउट ऑफ द टोटल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड बिफोर द ईयर एंड इज दिस इंटरेस्ट इज नॉट एक्चुअली पेड टिल द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, हाउएवर आफ्टर द बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी, ये घुमाने के लिए, आफ्टर द बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी विथ बैंक It has been decided that interest payable would be converted into loan, and thereupon company charged it into P&L amount this. आपको क्या करना है इस पूरी राम कहानी में?
जो एक्चुअली पे हो गया उसको टच नहीं करना, जो इंटरेस्ट कन्वर्ट हो गया, अब अदर सिक्योरिटी लिखा होगा या लोन लिखा होगा, उतने अमाउंट को लेना और एड बैक कर देना, उतने अमाउंट को लेना और एड बैक कर देना। समझ में आ गई बात? ये उसका ट्रीटमेंट होगा, यस और नो। तो इस तरीके से भी चीजें होती है, समझ में आई बात? सेक्शन को मैं वापस पढ़ रहा हूं, आपका ध्यान है, मेरा नहीं है, मैं जरा इधर उधर भटक रहा हूं। आज चॉकलेट डे है ना, ठीक है, आज बड़ा चॉकलेट सा डे है। बेचारे बच्चों को इतने प्यारे, इतने मुबारक मौके पे यहां बैठा दिया गया है, बराबर है? अपनी जादू सोना जादू टोना सोना मोना को कुछ चॉकलेट भी नहीं दे पा रहे, और कुछ हनुमान जी के भक्त भी है ना, कुछ हनुमान जी के भक्त भी तो होंगे ना, वो बेचारे, उनका दिल अलग ही कह रहा है। बड़े गौर से सुनिएगा, हाँ कुछ अच्छा कहने जा रहा हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा। और ये सिर्फ सिंगल बॉयज के लिए, अखंड सिंगल बॉयज के लिए, सिंगल बॉयज भी नहीं, अखंड सिंगल बॉयज के लिए, कि वो होते होंगे जो चॉकलेट चाटा करते हैं। ध्यान से, अरे नहीं आप जहां पहुंच रहे मैं वहां नहीं पहुंचा रहा हूं, सुनो, कि वो होते होंगे जो चॉकलेट चाटा करते हैं। हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, हम समोसा चाट खाया करते हैं। ध्यान से सुनना वापस से, एनी टैक्सेस ड्यूटी सेस जो एक्चुअली पे किया होगा, एनी टैक्सेस ड्यूटी सेस जो एक्चुअली पे किया होगा, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, बोनस, कमीशन, लीव एंड कैशमेंट, आपने एक्चुअली पे किया, अलाउड एज डिडक्शन। इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट कर दिया, इंटरेस्ट को डिबेंचर या अदर सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। क्लियर है प्रभु? राइट, जय बजरंग दल। अब ये सब क्या जाए, सब जाए, यस। देखो बेटा मैं आपको 100% बता रहा हूं, कुछ नहीं पड़ा है चॉकलेट में, आ जाओ जल्दी धंधे पे आओ। 43B रजिस्टर में लिखो, 43B रजिस्टर में लिखो, फोर्टी थ्री बी एक्चुअल पेमेंट। इसी सेक्शन को 43(2) भी कह दूं तो कोई तकलीफ तो नहीं आपको? यस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, बोनस एंड कमीशन, लीव एंड कैशमेंट, इंटरेस्ट ऑन बॉरोड कैपिटल, पेमेंट टू इंडियन रेलवेज फॉर यूज ऑफ इट्स एसेट्स, कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट इंटू लोन और डिबेंचर और अदर सिक्योरिटीज, नॉट ट्रीटेड एज, कह दो ना, एक्चुअली पेड। जे पूछेगा बेटे, जे रा भाई, जे पूछेगा, एक बच्चा कह रहा है सर मैं आपके और डैश टीचर के बीच में कंफ्यूज हूँ, किसका कौन सा सब्जेक्ट लूँ। देखना भाई, सुन मेरी बात सुन, बहुत सिंपल है, किसी का भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ में आ रही बात? कुछ फर्क नहीं पड़ता, भारत के हर टीचर बेस्ट है, बराबर है?
वो पढ़ा सकता है इसलिए वो टीचर है। समझ में, तेरे को किससे समझ में आ रहा, बस इतना ही गेम है। हाँ, पर एक चीज मैं बोल सकता हूं, आएगा वापस तो इधर ही। तो तू पहले ही सही है कि नहीं? चलो, इज दिस क्लियर? ओके बेटा, दिस इज एक्चुअल पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट। ठीक है, डन। आओ बेटा, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। द नेक्स्ट सेक्शन इज, सुनो बेटा, द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 35D की सीरीज। पहला सेक्शन, सेक्शन 35D, प्रीलिम नरी एक्सपेंसेस। सेक्शन 35D, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस विच इज इनकर्ड बिफोर कमेंसमेंट, बिफोर कमेंसमेंट और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिफोर कमेंसमेंट और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सो सेक्शन 35D, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। ये सेक्शन ना, ए मेरा बच्चा, ये सेक्शन ना सिर्फ रेसिडेंट असेसी के लिए है। किसके लिए है? रेसिडेंट असेसी, मतलब नॉन रेसिडेंट इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकता नहीं। ओनली रेसिडेंट असेसी। काय मतलब मी? ओनली रेसिडेंट असेसी। यस, ओके। सो एक्सपेंसेस विच इज इनकम बिफोर कमेंसमेंट, हो सकता है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले खर्चे किए गए हो, इसी को तो हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में भी कहते हैं। यस और नो? यस, आपको याद होगा अकाउंट्स में एक चैप्टर बनाया जाता है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, दैट दैट इज रिलेटेड टू दीज एक्सपेंसेस ओनली, रिफर टू दिस एक्सपेंसेस ओनली, और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सर, कौन कौन से एक्सपेंसेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बनते हैं? कौन कौन से एक्सपेंसेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बनते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, शेयर इशू एक्सपेंसेस। याद होगा तो जब सेक्शन 37 हम पढ़ रहे थे, इशू ऑफ शेयर के खर्चे डिसअलाउड होते हैं 37 में, यहां अलाउ किए जाते हैं, एंड बोनस इशू एक्सपेंसेस 37 में जाते हैं। यस, तो आप जो शेयर इशू कर रहे हैं वो एक्सपेंसेस इसके अंदर में आ गए, मार्केट सर्वे के खर्चे यहां पे आ गए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के खर्चे यहां पे आ गए, लीगल एक्सपेंसेस ऑफ ड्राफ्टिंग एमओए एओए के खर्चे यहां पे आ गए, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस इसमें आ गए, एटसेट्रा। सर, डिडक्शन कितना मिलेगा सर? नोबिता, तुम्हें इस बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। या तो ये एक्चुअल एक्सपेंसेस या तो फिर मैक्सिमम लिमिट पे आएगा। कितना अच्छा है ना? ज्ञान, इस पॉइंट को तुम्हें बहुत अच्छे से समझना होगा। क्या दिन थे यार, समझ रहे हो? एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है, सर महीने का कितना कमाते हो? देख बेटा, मेरे से ये सवाल ना मेरे चाचा ससुर ने भी पूछा था, मैंने उनको भी ये जवाब दिया था, तेको भी ये जवाब दूंगा। कमाता कितना हूं वो तो पता नहीं, खर्चा महीने का 6 लाख रुपए है। यस, तो कमाता कितना हूं वो तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि कमाता हूं मगर मेरी कमाई रह नहीं पाती, बीवी है घर में वो सारा उड़ा है आती।
ना भाई मेरी इनकम जान के तू क्या करेगा सेठ? मैं बांटने तो वाला हूं नहीं, आई एम नॉट अ कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंट। ये सुनो, चला मेरे भाई सुनो, बच्चा असेसी कौन होना चाहिए? रेसिडेंट असेसी। असेसी कौन होना चाहिए बोल बेटा? रेसिडेंट असेसी, यस। दूसरा, बिफोर कमेंसमेंट और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आता है। डिडक्शन कितने का? 1/5 ऑफ लोअर ऑफ, इन दोनों में से जो भी कम रहे उसका 1/5 डिडक्शन मिलेगा। सर 1/5 मतलब डिडक्शन फॉर 5 years मिलने वाला है, जिस साल से ये खर्चा किया उस साल से अगले 4 साल तक के बेनिफिट मिलता रहेगा। यानी आपको नहीं लगता अब ये सेकंड आइटम हो गया जो 1/5 बेसिस पे है? पहला कौन सा था वो भूल गया मैं, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। हाँ एक और था, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर तो भी तो 1/5 बेसिस पे मिलता है ब्रो, हैशटैग ब्रो, यस। अब आप ये पूछेंगे, सर सर मैक्सिमम लिमिट कितनी है? अब आप ये पूछेंगे कि सर ये मैक्सिमम लिमिट कितनी है? अरे बहुत छोटी है। मैक्सिमम लिमिट डिपेंड करता है असेसी कौन है, इज असेसी कंपनी और इज असेसी अदर देन कंपनी। अगर असेसी कंपनी है, क्या तुम सुन रहे हो? अगर असेसी कंपनी है तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, विच एवर इज हायर। सर अदर देन कंपनी होगी तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। डन है मालिक? सेठ ध्यान से सुनिए, डिडक्शन इज इक्वल्स टू लोअर ऑफ, लोअर लोअर लोअर, डिडक्शन इज इक्वल टू लोअर ऑफ एक्चुअल और मैक्सिमम जो 5 साल में डिवाइड किए जाएंगे, राइट। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? अगर कंपनी है तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, विच एवर इज हायर। इधर का हायर और ऊपर का लोअर ब्रो, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कृपया मेरे साथ पेज नंबर 8 पे आइए, सॉरी 6 पे आइए। सेक्शन 35D किसके लिए है? रेसिडेंट असेसी के लिए, मतलब नॉन रेसिडेंट इसका बेनिफिट ले सकता नहीं। 1/5 ऑफ लोअर ऑफ एक्चुअल और मैक्सिमम, कंपनी अदर कंपनी है, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, विच एवर इज हायर। अदर असेसी है तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है? आपको जितना अमाउंट आपने फिक्स असेट में इन्वेस्ट किया उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कहते हैं। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग, हालांकि रिजर्व्स एंड सरप्लस इसका पार्ट नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट मैंडेटरी है क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर आप इनकर कर रहे हैं तो सीए से ऑडिट करवाना पड़ता है। यह ऑडिट रिपोर्ट एटलीस्ट 1 month प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग ROI देना जरूरी है। क्लियर है मालिक? चलो जी, ऐसे कैसे? चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलो एग्जाम्पल, ठीक है, विज्जू लिमिटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 40 lakh, कैपिटल एम्प्लॉयड 30 lakh, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मार्केट सर्वे 11 lakh, प्रोजेक्ट रिपोर्ट 8 lakh, अदर लीगल एक्सपेंसेस 2 lakh, कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D फॉर असेसमेंट ईयर 23-24।
चलो जल्दी 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 4.2 लैक्स। पक्का देख लिया? अपने आप को चाटा मरवाने लगाऊंगा अगर गलत हुआ तो। सोच लिया? तेरे से गलती एक्सपेक्टेड नहीं है मेरे को। 40,000? जल्दी से ऑनलाइन, यहां तो 42,000 बोला जा रहा है, 4,20,000 बोला जा रहा है। फोर्टी थाउजेंड चलो लेट्स चेक। सबसे पहले एक्चुअल एक्सपेंसेस पता कर ले क्या मालिक, इज इट 21 लैक्स? दूसरा मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट मतलब 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कम्स टू 40 लाख का 5%, इज इट 2 लैक्स? 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों में का हायर, देयरफॉर कितना अलाउड है 1/5 ऑफ 2 लाख, दैट इज 40,000। क्या हुआ बेटा? चॉकलेट, एकदम सिंपल है बेटा। एक्चुअल और मैक्सिमम विच एवर इज लोअर का 1/5, कड़ल का। सो दैट वॉज योर 35D। आज ये नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, 35DD, सेक्शन 35DD, एक्सपेंसेस ऑन अमलगमेशन डीमर्जर अवेलेबल ओनली टू इंडियन कंपनी, अवेलेबल ओनली टू इंडियन कंपनी, अवेलेबल ओनली टू इंडियन कंपनी, डिडक्शन इज अलाउड ऑन 1/5 बेसिस ओवर 5 years। तो भाई जी एक और पॉइंट आ गया जहां पे हम 5 years में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो मान लीजिए असेसमेंट ईयर 23-24 में 5 लाख रुपीज हम लोगों ने किया है, तो 1 लाख, फिर नेक्स्ट ईयर में 1 लाख, फिर नेक्स्ट ईयर में 1 लाख, फिर नेक्स्ट ईयर में 1 लाख एंड नेक्स्ट ईयर में 1 लाख, इस तरीके से क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। सो पहला 23-24 असेसमेंट ईयर में आ जाएगा, फिर 24-25, 25-26, 26-27, 27-28 तक के आपको ये पूरे डिडक्शन मिल जाएंगे। सो जो भी एक्सपेंसेस, यस, याद रखने का सिंपल तरीका, देखो दीदी की शादी होती है, 5 साल तक के उसके खर्चे चलते रहते हैं, दीदी के अमलगमेशन पे 5 साल तक की चीजें चलती रहेगी। अभी दीदी का अमलगमेशन हुआ दूसरे परिवार में, दीदी का अमलगमेशन हुआ दूसरे परिवार में, 5 साल तक की चीजें चलती रहेगी, राइट। इसी से कनेक्टेड एक और सेक्शन है 35DDA, दद्दा VRS ले ले, दद्दा क्या कर ले, VRS ले ले, अब तो थक गया है दद्दा, VRS ले ले। VRS का स्टैंड फॉर वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, क्या बोले बेटे मैंने, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम किसके लिए है बेटा, ए नी हंसे जी, कैसे बेटा, ए नी हंसे जी, कैसे बेटा, ए नी हंसे जी, कह दो ना, ए नी हंसे जी, बराबर है। चलो बेटा 1/5 बेसिस ओवर 5 years, सुन रहे हो ना तुम, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या देता है बेटा, VRS। एम्प्लॉयर के लिए ये एक्सपेंसेस है, जाएगा 35DDA में। एम्प्लॉय के लिए क्या कवर होगा बेटा, सैलरी। एक बार बताइए VRS के लिए एग्जम्पशन कितना था सैलरी में, ऑन रिटायरमेंट मिला तो, पहला एक्चुअल, दूसरा मैक्सिमम लिमिट,
5 लाख। तीसरा ग्रेच्युटी मिली, ग्रेच्युटी नहीं मिली, पेंशन में था वो। लास्ट ऑन सैलरी इंटू 3 इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस और लास्ट ऑन सैलरी इंटू बैलेंस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट फॉर सर्विस। हाँ हाँ मतलब हाँ हाँ याद आ रहा है क्या कुछ जीवन में? यस हैशटैग ब्रो यस आओ इधर पेज नंबर 7 पेज नंबर 7 35DD इंडियन कंपनीज के लिए 1/5 बेसिस पे अलाउ किया गया है चेक कर लो। 35CCC भी नहीं हुआ है वाह भाई साहब चलो आओ ले ही ले 35CCC 35CCD 35CCC ए नी ऐसे सी कैसा बेटा ए नी ऐसे सी इनकर एक्सपेंसेस ऑन नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गलत कुछ याद कीजिए सीसीडी में जाके आपके स्किल डेवलप होते हैं नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट डिडक्शन कितना मिलेगा बेटा 100% ए नहीं ऐसे सी अगर कोई नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है जितना खर्चा किया सब अलाउड इज डिडक्शन इसका मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। 35CCD सीसीडी में जाके आपके सो कंपनी देखिए यहां पे ना ये बहुत जरूरी है मेरा बच्चा जब तू याद रखे कि कौन से एसएससी के लिए क्या मिलने वाला है कंपनी अगर इनकर करती है नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट एक्सपेंसेस 100% डिडक्शन मिलेगा। अच्छा मैं सभी को बता दूं हो सकता है कोई मेरे को बच्चा ये बोले यस कि सर 35DD हमको नोट्स में नहीं मिल रहा वो जानबूझ के नहीं लिखा गया है रीजन CA इंस्टीट्यूट ने क्लियरली कहा है कि इंटर लेवल पे 35DD एप्लीकेबल नहीं है जबकि CMA इंटर पे है तो मैंने वो उस एंगल से पढ़ाया है। दूसरी बात वो सेक्शन ही इतना छोटा है कि आप पढ़ भी लो तो कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है तो इसके लिए मैंने पढ़ा के रखा है लेकिन आपके नोट्स में नहीं दिख रहा है वो डीडीए। चलो आओ एनी एसएससी कंपनी नोटिफाइड एक्सटेंशन प्रोजेक्ट 100% स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 100% लैंड एंड बिल्डिंग का डिडक्शन मिलने वाला नहीं है नो एक्सपेंसेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। आहो ये सुनो चलिए और दो सेक्शन की बात करते हैं 40A7 40A9 आओ नोट से ही पढ़ेंगे पेज नंबर 7 40A7 40A9 जरा ध्यान से सुनना 40A7 40A9 क्या बोला जाता है बेटा देखिए ग्रेच्युटी फंड अगर ये अप्रूव्ड है तब तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 36 लेकिन अगर अनअप्रूव्ड है तो उसका क्या अगर अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड है तो ना इसका प्रोविजन अलाउड ना इसका पेमेंट अलाउड अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड का ना प्रोविजन अलाउड ना पेमेंट अलाउड एज पर 40A7 सो 40A7 के हिसाब से अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड का ना प्रोविजन अलाउड ना पेमेंट अलाउड ठीक उसी तरीके से 40A9 है अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का ना प्रोविजन अलाउड है ना पेमेंट अलाउड है अनरिकग्नाइज आरपीएफ का मिलेगा यस एसपीएफ का मिलेगा यस पेंशन स्कीम का मिलेगा यस अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी का डिडक्शन मिलने वाला नहीं है क्लियर है मालिक
वाह, बहुत शानदार। बच्चों इस लिस्ट में कुछ सेक्शन जो अभी पढ़ा है बस वो फटाफट रिकॉल करें। व्हाट वाज 35D? व्हाट वाज 35D? प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। 35DD, 35DDA, VRS का पेमेंट। 40A7 अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी डिसअलाउड। 40A9 यूआरपीएफ डिसअलाउड। यूआरपीएफ डिसअलाउड, नाइन का प्रोविजन अलाउड, नाइन का पेमेंट अलाउड। 43B एक्चुअल पेमेंट, कुछ पेमेंट एक्चुअल बेसिस पे किए होंगे तो ही डिडक्शन मिलेंगे, नहीं तो मिलने वाले नहीं है। 35CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, 100% अलाउड, लैंड एंड बिल्डिंग नो। 35CCD क्लियर है। ओके जी, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 35AD पेज नंबर 12, 35AD पेज नंबर 12 क्लियर है। 35AD के बाद एक प्रॉब्लम लेंगे हम लोग। अब ये 35AD क्या है? मार्केट इज इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर इंडिविजुअल सेक्शन वाइज क्वेश्चन आता है, मतलब एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आपको 35AD पे मिल जाएगा। सुनिए इसके पीछे की हिस्ट्री सुन लीजिए, सेक्शन आपको बाय डिफॉल्ट में समझ में आ जाएगा। सर हुआ क्या, 1991 में हम लोग एलपीजी लेके आए, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्लाइबलाइटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हम लोग लेकर के आए। इसके बाद क्या हुआ, भारत को और ग्रोथ देने के लिए 1997 से लेकर 2005 तक के भारत सरकार ने बहुत सारे डिडक्शंस निकाले। इसे चैप्टर 6A पार्ट C कहा जाता है। 80IA, IB, IC, ID, IE ऐसे अलग अलग सेक्शन निकाले जहां 10 10 साल 15 15 साल के लिए टैक्स एग्जम्पशन प्रोवाइड किया गया। अब वो सेक्शन लगभग 95 से शुरू होकर के 2007 तक के था। 2007 में, 2008 में वो सेक्शन क्लोज हो गए। अब सरकार को चाहिए था कि कुछ नए डिडक्शंस और दिए जाएं, कुछ स्पेसिफिक बिजनेस के लिए नए डिडक्शंस और दिए जाएं। ये वो बिजनेसेस थे जहां सरकार ग्रोथ चाहती थी, ये वो बिजनेसेस थे जो सेक्टर को वो ग्रो करवाना चाहती थी। आज अगर आप मल्टीप्लेक्स में घूम पा रहे हैं, आज अगर आप मॉल्स में घूम पा रहे हैं, तो यू शुड थैंक यू नो मनमोहन सिंह साहब फॉर द सेम, क्योंकि ये वही थे जिन्होंने ये स्कीम लेकर के आई थी। आज आप अगर 5 सितारा होटल में जा पाते हैं, इनका रीजन वो था। आज आप एक फॉरेन ब्रांड पहन पाते हैं, तो उनका भी रीजन वही था। यस, सो इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि 2009 से एक नया सेक्शन लॉन्च किया गया, 35AD। 35AD में स्पेसिफाइड बिजनेस रखे गए। ये सारे लगभग वही बिजनेस थे जो 80IA को बंद करके यहां लेके आए थे, और कुछ नए बिजनेस थे जिनको यहां पे जोड़ दिया गया था। शुरुआत में जब ये सेक्शन आया तो इन बिजनेस से रिलेटेड 150% तक के डिडक्शन दिया गया था। मतलब अगर आप इन बिजनेस के लिए 100 रुपए खर्चा करें, आप 150 का डिडक्शन लेके जाएं इनकम टैक्स में। इस तरीके का भी बेनिफिट रखा गया था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाय 2019 इनको 100% पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। कितने परसेंट पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, 100। तो एनी बिजनेस 100%, ऊपर से नीचे तक देख लो 100% है। क्लियर है। अब इन बिजनेस से रिलेटेड क्या किए गए, इन बिजनेस से रिलेटेड देखिए क्या दिमाग दिया गया। उन्होंने कहा इन बिजनेस से रिलेटेड हम कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ करेंगे, इन बिजनेस से रिलेटेड हम कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ करेंगे, इन बिजनेस से रिलेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसे ही 37(1) देखता बैठेगा। यानी ये सेक्शन अगेन सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर की ही बात कर रहा है, ये सेक्शन अगेन सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर की ही बात कर रहा है। तो अगर असेसी ए नी असेसी, अगर असेसी ए नी असेसी, अगर असेसी ए नी असेसी स्पेसिफाइड बिजनेसेस के अंदर में है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है। अगर असेसी स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर में है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है, 100% अलाउड एज डिडक्शन। अब आप मुझे सोच समझ के बताइएगा, अगर किसी सेक्शन में 100% डिडक्शन अलाउड है तो क्या डेप्रिसिएशन मिलेगा? सोच के बताओ, डेप्रिसिएशन मिलेगा? उसका एक्चुअल कॉस्ट नील पकड़ा जाएगा। ब्लॉक में तो ऐड करेंगे लेकिन एक्चुअल कॉस्ट क्या पकड़ा जाएगा, नील। याद आ रहा है ना तुमको सेक्शन 43?
राइट अच्छा जी, इन बिजनेस से रिलेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर को अलाउ किया गया और कहा गया कि अगर आप ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं तो हम अलाउ कर देंगे आपको डिडक्शन 100%। अब जरा इमेजिन कीजिएगा आपका पीएनएल, यहां पे आपने इनिशियली इनकम बुक करी, यहां पे आपने क्या बुक किया इनकम, यहां पे आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लेम कर लिया, पीएनएल में होता नहीं। फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स आप प्रॉफिट रिड्यूस करने के लिए करोगे सेक्शन 35 एडी में, यानी टेक्निकली नीचे लॉस आ जाएगा। हम इस लॉस को कहेंगे लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, क्या कहेंगे? अब ये लॉस अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, मतलब प्रैक्टिकली अगर कोई एसएससी इन बिजनेसेस के अंदर में एंटर करता है उसको पहले 4-5 साल तो प्रॉफिट दिखना ही नहीं है, और यही इनकम टैक्स कहता है कि हमने इन बिजनेस के लिए 5 साल टैक्स फ्री कर दिया। समझ में ही बात, क्योंकि क्या होता है आपने जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही तुम डिडक्शन क्लेम कर सकते हो पूरे इनकम टैक्स में। बहुत कम ऐसी जगह है जहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिडक्शन क्लेम करने बोला है, बहुत कम ऐसी जगह है जहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही डिडक्शन क्लेम करने बोला है। तो यहां पे वो सेक्शन है कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करो 100% डिडक्शन लेकर के जाओ, लॉस आया अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दो, कितने के लिए अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड करते रहो, चलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी इनिशियली जिन बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा उनमें तो शायद 5-6-7-8 साल तक के भी कोई टैक्स भरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इवन दो देर इज एन इनकम, बिकॉज ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस के अगेंस्ट में वो क्या होता रहेगा सेट ऑफ। सो इन सेक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ किस बारे में बात कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहे हैं। पक्की बात हो गई मालिक? अच्छा जी, सो कौन कौन से बिजनेस है सर, क्या इन बिजनेस की लिस्ट को याद रखना होगा? हाँ सर। क्या इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं? हाँ सर, मतलब हाँ। तो एक बात तो कॉमन है, डिडक्शन हर जगह 100% है, क्लियर है। बिजनेस देख लीजिए, लेइंग एंड ऑपरेटिंग क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस क्रूड और पेट्रोलियम पाइपलाइन, अगर आप इन बिजनेस में है जो ले डाउन करती है क्रूज यू नो क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस क्रूड और पेट्रोलियम पाइपलाइन, जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है 100% अलाउड एज डिडक्शन। नेक्स्ट, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी, यस कोल्ड चेन फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज, ये इसलिए बिजनेस को डेवलप कर रहे क्योंकि बहुत सारे, देखिए भारत एक खेती प्रधान देश है पर बहुत सारे गुड्स क्या हो जाते हैं एक प्रॉपर वेयरहाउसिंग ना होने की वजह से या एक प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज चेन ना होने की वजह से बर्बाद हो जाते हैं, इसीलिए कोल्ड स्टोरेज बिजनेस को डेवलप करने के लिए बोला आप कोल्ड स्टोरेज बनाइए, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर कीजिए 100% अलाउड एज डिडक्शन। नेक्स्ट, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयरहाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जैसा कि अभी मैंने कहा कोल्ड चेन मछलियां सब्जियों के लिए और बचे हुए गेहूं चावल वगैरह के लिए वेयरहाउस फैसिलिटी लेकर के आ गए ताकि पूरे इंडिया में क्या हो सके गुड्स हर जगह अवेलेबल हो सके। अगर आपने एक चीज को गौर किया होगा तो एक समय था कि फ्रूट सिर्फ सीजन के टाइम पे मिलते थे, आज फ्रूट्स हर सीजन में मिल जाते, लगभग हर फ्रूट हर सीजन में मिल जाते, क्यों? क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में इसे स्टोर करके रखा जा सकता है और हर जगह इसे जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सकता है। यस, नेक्स्ट, बिजनेस बिल्डिंग ऑपरेटिंग अ न्यू होटल ऑफ 2 स्टार और अबाव कैटेगरी एनी वेयर इन इंडिया, 2010 में इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट कर रहा था, उस टाइम पे हमारे पास धर्मशालाएं बहुत थी पर होटल नहीं, तुरंत बेनिफिट लेकर के आए, कहा कि भैया अगर आप होटल लेके आते हैं 2 स्टार और अबाव कैटेगरी का, होटल के अंदर में क्या होता है पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन, होटल का पूरा एक्सपेंडिचर आपको क्या बोल दिया अलाउड एज डिडक्शन। इस चक्कर में होटल्स में अलग अलग फैसिलिटीज आने लग गई और कई होटल्स रेडी हो गए 2 स्टार और अबव कैटेगरी के। बिजनेस ऑफ बिल्डिंग ऑपरेटिंग अ न्यू हॉस्पिटल एनीवेयर इन इंडिया विद एटलीस्ट 100 बेड्स फॉर द पेशेंट, सोचिए अगर ये सेक्शन कभी न लाया होता तो कोविड में इंडिया की हालत क्या होती। इंडिया में लोगों को हॉस्पिटल्स मिल गए, क्यों? क्योंकि एक टाइम पे सेक्शन था आप हॉस्पिटल बनाओ, हॉस्पिटल बनाने के कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करो 100% डिडक्शन लेके जाओ। तो आज छोटे से छोटे गांव में भी आपको एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिल जाता है, छोटे से छोटे गांव में भी आपको एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिल जाता है। मैं SM का बैच लेता हूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, वहां हम लोगों ने अपोलो की केस स्टडी ली है बाकायदा, 25 दिन का बैच रहता है, पूरे केस में हम लोगों ने बैच लिया अपोलो किस तरीके से इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट चेन ऑफ हॉस्पिटल बना, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि बॉस कैसे इंडिया एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल चेन बन गया, अपोलो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल चेन बन गया। तो सर हॉस्पिटल विथ 100 सिंगल बेड बनाइए एनी वेयर इन इंडिया, आपको 100% अलाउड एज डिडक्शन।
एक बैच में एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, बड़ा अजीबो गरीब सवाल है, यहाँ पे जोक के टाइम पे भी है वो। तो बच्चा मेरे को सवाल पूछता है, सर यहाँ पे लिखा है 100 beds इन इंडिया, तो ये सिंगल बेड होना या डबल बेड? मेरे को 2 मिनट लगे इस सवाल को समझने के लिए। मैं काफी तेजस्वी बच्चा था, बोले सर सिंगल बेड होना या डबल बेड? मैंने बोला बेटा हॉस्पिटल में डबल बेड का क्या काम? बोले नहीं सर नर्स और साथी। मैंने कहा तो नहीं? बोले सर वो मुन्ना भाई MBBS का वो सीन याद है मेरे को। मैं बोला वासुदेव बाबा बैठ। तो यहाँ पे हम सिंगल बेड की ही बात कर रहे हैं, डबल बेड की बात नहीं कर रहे। अ हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर द स्लम रीडेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन, आप कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं अंडर द स्लम रीडेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन 100% अलाउड एज डिडक्शन। डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर द स्कीम ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, कोई अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम डेवलप करते हैं 100% अलाउड। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन एनी एग्जिस्टिंग प्लांट फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए आपने कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी लेके आया, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए आपने कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी लेकर के आया, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग एन इनलैंड कंटेनर डेपो फ्रेट कंटेनर स्टेशन, GST में आपने इनलैंड कंटेनर डेपो फ्रेट ICD FCD नाम की चीज पढ़ी होगी। GST एक सब्जेक्ट है, 40 mark इसी के साथ, उसमें ICD FCD पढ़ा होगा ना, इनलैंड कंटेनर डेपो फ्रेट कंटेनर स्टेशन। कस्टम में नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? GST में नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? अच्छा सुनो, फॉरगेट GST, डोंट फॉरगेट एज अ सब्जेक्ट, फॉर द टाइमिंग फॉरगेट इट। आप लोगों ने साउथ की मूवीज में सबसे ज्यादा बड़े बड़े कंटेनर देखे होंगे जिसके अंदर से हीरो अचानक गाड़ी लेकर के बाहर कूदता है बहुत जोर से, वो जो कंटेनर्स है वो जहां रखे जाते हैं उनको ICD FCD बोलते हैं, इनलैंड कंटेनर डिपो फ्रेट कंटेनर स्टेशन, राइट? अगर आपने ऐसा कुछ सेटअप किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड एज डिडक्शन। इसके नीचे से जो कुछ भी है सब इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऊपर वाले सारे पूछ लिए। तो अगर इस सेक्शन पे कुछ पूछना भी होगा तो इसके नीचे वाला पूछेगा, तो लिस्ट इतनी बड़ी याद रखने की जरूरत नहीं, नीचे के आइटम याद करो, शॉर्टकट में गेम खेल लो बस। नेक्स्ट, बी कीपिंग प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, राइट? सर बी कीपिंग, इंडिया का शहद बहुत ज्यादा बिकता है, यस, बड़े बड़े ब्रांड्स शहद के अंदर में एंटर कर चुके, डाबर उनमें से सबसे स्ट्रांग है ही, पतंजलि का हनी भी है, पतंजलि का प्रोडक्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर इसमें है, कुछ ही प्रोडक्ट है जिनमें अब तक वो नहीं है, शायद वो हर्बल प्रोडक्ट्स नहीं है जैसे पेंसिल शार्पनर रबर, यस शायद उसमें हर्बल नहीं। सर मेरा मतलब मेरे को तो तब सबसे गजब लगा जब उन्होंने पानी को दिव्य जल के नाम से दिया, दिव्य जल, मतलब सीरियसली सर पतंजलि की जीन्स, हाँ नहीं जीन्स बनाता है पतंजलि, हाँ दिल्ली में स्टोर है, दिल्ली में स्टोर है, अगर तुमको शक है बाकायदा मोबाइल निकालो गूगल के ऊपर डालो पतंजलि जीन्स और उसमें इमेजेस में जाओ, भाई साहब एक तो सबसे हिट था पतंजलि की जीन्स, यहां से यहां तक के ड्रैप्ड बराबर है खुली हुई, और उन्हें नाम दिया है वातानुकूलित जीन्स, एयर कंडीशन जी, हवा कैन बी पास्ट, एंड आई वाज लाइक भाई साहब मारो मुझे मारो, क्या मतलब वातानुकूलित जीन्स, मैं पब्लिक रिव्यू जानना चाहूंगा ऐसे जीन्स आप पहनना चाहेंगे? अरे वातानुकूलित जीन्स, हर्बल जीन्स, हर्बल कपड़ा, ये अपनी अपनी चॉइसेस है, अपनी अपनी चॉइसेस है, चीज तो ऑब्वियसली अच्छी होगी अगर उनने बनाई होगी तो, यस सर पतंजलि की बियर भी आई है, बियर मतलब हो सकता है कोई प्रोडक्ट होगा अच्छा ही प्रोडक्ट होगा, मेरे को तो समझता नहीं, चलो। सो बी कीपिंग प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, क्या आपको पता है FC रोड, आप सभी को पता होगा, यहाँ पे जो बाहर से हैं पुणे से नहीं है उन लोगों को बता दूं FC रोड यहाँ पे एक बहुत अच्छा एरिया है, मतलब दिल को बड़ा सुकून मिलता है उन रोड्स पे जा करके, राइट? यू कैन फाइंड ज़ारा का T-shirt इन 100 rupees, मतलब देश पुणे भर की जितनी लड़कियां सब वहीं से शॉपिंग करती है, राइट? 100 रुपये में उनको ज़ारा का T-shirt मिल जाता है। हाँ वहाँ सबसे ज़्यादा आपको भाया है ज़ारा का T-shirt, ये आपको सबसे ज़्यादा सुनने मिल सकता है वहाँ पे। हाँ भैया 20 रुपये कम में दे दो, 100 रुपये में भी 20 रुपये कम में, तो आपके डेली कस्टमर हो ना।
अपार्ट फ्रॉम दो FC रोड के आप जहाँ एंड पे जाओगे ना, वो एक यूनिवर्सिटी रोड की तरफ टर्न लेते हैं, वहाँ है आपका बी कीपिंग एंड बी वैक्सिंग होता है वहाँ पे. दैट्स अ सेंटर इन पुणे. इट्स अ सेंटर इन पुणे. जितना खर्चा लग रहा है इस चीज के लिए अलाउड एज डिडक्शन. नेक्स्ट, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर. स्टोरेज ऑफ शुगर के लिए आपने कोई वेयर हाउसिंग फैसिलिटी लाई है, दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन. ये जो बेनिफिट है, जो लोग महाराष्ट्र में वो समझ सकते हैं, साहेब के लिए लाई गई थी. साहेब मतलब कौन? अगर ये आपको महाराष्ट्र में रहकर समझाना पड़े तो आप गलत जगह पे है. यस, शुगर और साहेब काफी अच्छा कनेक्शन है. समझ गए ना कौन सा साहेब? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. हाँ हाँ, बस बस. अरे मैं मगरपट्टा की बात कर रहा हूँ, खैर आगे बढ़ो. लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर. आपने अगर एक स्लरी पाइपलाइन लगाई फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन. ये स्लरी पाइपलाइन क्या होती है? आपने बड़े बड़े पाइपलाइंस देखे होंगे, राइट? बड़े बड़े जो पाइपलाइंस होते हैं, इनको स्लरी पाइपलाइंस कहा जाता है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर के लिए यूज की जाती है. इसमें जेट स्प्रेइंग होती है ताकि वो क्लीन हो जाए. इस तरीके का आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया होगा 100%? हाँ जी. सो आप कोई भी गाड़ी लेने के लिए जाओगे तो आज के टाइम पे क्या होता है कि आपको 6-6 साल, 6-6 महीने, 10-10 महीने का वेटिंग है. मतलब मैं रिसेंटली एक व्हीकल देखने के लिए गया, राइट? इनोवा हाई क्रॉस. सो इट हैज़ अ वेटिंग ऑफ ओवर 14-15 मंथ्स. सो ये क्यों है? बिकॉज चिपसेट जो होता है ये अवेलेबल नहीं है. और आज के तारीख में हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है. मतलब आपको एक LED भी लगानी है तो उसके अंदर में चिपसेट लगती है. तो चिपसेट में फैब्रिकेशन होता है. आपको अगर इस तरह से नहीं समझ में आया तो एक और बात बताता हूँ. लड़कों को तो बहुत जल्दी इजी कैच हो जाएगा. आपको याद है बचपन में हम लोग गेम खेलते थे, वो कॉन्ट्रा वगैरह की CD डाल करके, नहीं वो प्लेट डाल करके, उसके अंदर में ग्रीन कलर का प्लेट होता था और ब्लैक कलर की सोल्डरिंग होती थी. दैट्स वे फॉर फैब्रिकेशन. समझ में आ रही बात? तो वो चिपसेट होता है जिसको फेवर करके क्या किया जाता है, दूसरे चीज से कनेक्ट किया जाता है. इसका अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप डालते हैं, दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन. द मोस्ट लेटेस्ट इज अदानी इज एंटरिंग इनटू दिस बिजनेस. जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर लगा 100% अलाउड एज डिडक्शन. सर मैं आपको बता रहा हूँ, दो चीज़ें अडानी एंटर कर रहे हैं जिन बिजनेस के अंदर में. एक है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, दूसरा है कॉपर यूनिट्स. इंडिया की सबसे बड़ी कॉपर रिफाइनरी अडानी जी सेट कर रहे हैं. सर क्यों? एक टाइम पे कॉपर के हम एक्सपोर्टर हुआ करते थे, और उसके बाद से जब एक मैं उनका नाम रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ, उनने जब से अपना यूनिट क्लोज किया, हम कॉपर के इम्पोर्टर बन गए. और क्या आपको पता है, हर गाड़ी में, EVs में कॉपर लगता है, हर AC में कॉपर लगता है, हर इलेक्ट्रॉनिक में कॉपर एज अ कंडक्टर यूज किया जाता है. बिकॉज इट इज अ ईजी गुड कंडक्टर भी है और चिप भी है एज कंपेयर टू गोल्ड. तो ये इसमें एंटर कर रहे हैं. अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करना है, सो गो फॉर कॉपर, क्योंकि एक EVs के अंदर में करीब 340 kgs तक के, अगर मैं गलत नहीं हूं या मेरे को जितना याद है, यूज होता है, इंक्लूडिंग ऑल पार्ट्स एटसेट्रा. यस, तो जो एक बड़ा EV बंदा है, हैवी EVs की मैं बात कर रहा हूँ, छोटी कार्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो उनके लिए ये यूज किया जाता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग वेज में, अलग अलग पार्ट्स में. तो ये एक आप देख सकते हैं. नेक्स्ट इज डेवलपिंग मेंटेनिंग ऑपरेटिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के अंदर में कोई है अलाउड एज डिडक्शन, येस और नो? अगर कोई 115BAC ऑप्ट कर लेता है, अगर कोई SSC क्या कर लेता है बेटा, 115BAC ऑप्ट करता है, तो ये सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा नहीं. येस दूसरी बात, एक बात याद रखिएगा, द होल ऑफ एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड excluding land, goodwill and financial instrument wholly and exclusively incurred for the purpose of business shall be allowed as deduction. हालांकि आपने capital expenditure incur किया, उसका कोई deduction नहीं मिलने वाला अगर वो कितने से ऊपर जा रहा है, 10,000 otherwise then in prescribed mode. तो 10,000 के ऊपर का आपने capital expenditure incur किया, that should be by account pay check draft ECS or other electronic mode. Yes or no? Yes. चलो जी आइए इधर.
स्पेसिफाइड बिजनेस ए नी असे सी इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन लैंड गुडविल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिडक्शन इज इक्वल टू 100% एक्सपेंडिचर मे बी इनकर्ड इन प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर और प्रीवियस ईयर. एक्सपेंडिचर मे बी इनकर्ड इन प्रीवियस ईयर और प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर. तो अगर आपने बिजनेस चालू करने से पहले के कुछ खर्चे किए तो वो भी अलाउड रहेंगे, बिजनेस चालू होने के बाद के कुछ खर्चे किए वो भी अलाउड रहेंगे. नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ only against income of specified business and balance loss can be carried forward for unlimited period. एक मिनट सुनिए, मान लीजिए मेरा कोल्ड चेन है, कोल्ड चेन से मेरे को इनकम हुई 5 लाख और मेरा ही एक और बिजनेस है हॉस्पिटल का, वहां से मुझे 3 लाख का लॉस हुआ. कैन आई सेट इट ऑफ एनी स्पेसिफाइड बिजनेस ये याद रखिए. तो जरूरी नहीं है हॉस्पिटल के इनकम से ही हॉस्पिटल का, एनी स्पेसिफाइड बिजनेस से एनी स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस. क्लियर है मालिक? दूसरी बात, टू सेट ऑफ लॉस रिटर्न लगेगा क्या? टू सेट ऑफ लॉस रिटर्न मैंडेटरी, क्योंकि ये लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, सॉरी टू यहां पे सेट ऑफ लिखा है, टू कैरी फॉरवर्ड इज द राइट वर्ड, टू कैरी फॉरवर्ड लॉस रिटर्न इज मैंडेटरी. कोई भी लॉस को अगर कैरी फॉरवर्ड करना है, लॉस रिटर्न आप अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड करें, पर लॉस रिटर्न जरूरी है बिकॉज इट्स अ बिजनेस लॉस, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं है, इट्स अ बिजनेस लॉस. यस आहो, अच्छा जी सर, तो कोई भी एसएससी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है, हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ कैप एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, अदर देन लैंड गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिडक्शन 100%. अच्छा सर, आपने कैपिटल असेट एक्वायर किया, राइट, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया, क्या इसे होल्ड करके रखने की भी जरूरत है? क्या इसे होल्ड करके रखने की भी जरूरत है? यस, ये सारी कंडीशन भी दी है. आइए पहले पढ़ते हैं. तो प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिल जाएगा, करंट ईयर का डिडक्शन मिल जाएगा. यस, इट शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन, ये नया बिजनेस होना चाहिए. प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू, प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू. हालांकि कुछ प्लांट एंड मशीनरी को भी न्यू माना जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड.
जो प्लांटेड मशीनरी आप इन बिजनेस के लिए ले रहे हैं ये नहीं होनी चाहिए। हालांकि दो प्लांटेड मशीनरी को भी न्यू माना जाएगा, हालांकि दो प्लांटेड मशीनरी को भी क्या माना जाएगा, न्यू माना जाएगा। पॉइंट नंबर वन, सेकेंड हैंड प्लांटेड मशीनरी विच इज इम्पोर्टेड। अगर आपने प्लांटेड मशीनरी इंपोर्ट करी है तो भी इसे क्या माना जाएगा, न्यू। और दूसरा, सेकेंड हैंड प्लांटेड मशीनरी, राइट, अगर इस पर 20 सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, अगर ये ओवरऑल प्लांट एंड मशीनरी के 20% से ऊपर ना हो, इसे भी क्या मान लिया जाएगा, न्यू। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू प्लांट एंड मशीनरी। हाउएवर फॉलोइंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। फॉलोइंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज न्यू प्लांट एंड मशीनरी। पॉइंट नंबर ए, इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी। पॉइंट नंबर बी, इफ द वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड, बोलो, 20% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। मान लीजिए, देखिए बिजनेस है, जरूरी नहीं, हो सकता अगर मेरे को सेकेंड हैंड ही अच्छी मिल रही है तो मैं फर्स्ट हैंड में क्यों जाऊं, बात समझिएगा। अगर मुझे सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी अच्छी मिल रही है तो मैं न्यू लेके क्या कुछ नया करने वाला हूं क्या? मैन्युफैक्चरिंग उससे भी उतना ही होना था, शायद उससे भी उतना ही होगा। तो कई बार व्यक्ति सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी भी लेना चाहता है, या नए का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी लेकर के वो अपना मैन्युफैक्चरिंग चालू कर देगा। तो ऐसे केसेस में सेकेंड हैंड को भी अलाउ किया गया है, पर वो 20% से ज्यादा की नहीं होना चाहिए। यस, नेक्स्ट। अच्छा, याद रखिए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U नॉट अलाउड। अगर आपने 35AD का बेनिफिट लिया है तो 35AD वाले PGBP जितना अमाउंट आपको चैप्टर 6A में नहीं मिलता। इसी के साथ आप बताइए, चैप्टर 6A डिडक्शन नॉट अवेलेबल कौन कौन सी इनकम से, बताइए कौन कौन सी इनकम पढ़ ली हमने। चैप्टर 6A के डिडक्शन इनमें से नहीं मिलते, कौन कौन सी इनकम? वेरी गुड, कैजुअल इनकम। याद आ रहा है तुम लोग को, कैजुअल इनकम में से चैप्टर 6A के डिडक्शन नहीं मिलते। और एक पढ़ाया है, और एक पढ़ाया है, परफेक्ट, कैपिटल गेन। याद करके देखो, कैपिटल गेन में से भी चैप्टर 6A के डिडक्शन नहीं मिलते। 35AD ये शॉर्टकट है, इनमें से चैप्टर 6A के डिडक्शन नहीं मिलते। आहो, सो नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर चैप्टर 6A फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। यस और नो? If the asset cost is allowed under section 35, then such asset will be taken to be value at nil. Clear है मालिक? ये सवाल को दो बार पूछा गया है, ये सवाल को दो बार पूछा गया है। मान लीजिए असासी ने एक 2-स्टार होटल को बिल्ड किया, असासी ने क्या किया, एक होटल को बिल्ड किया, लेकिन चलाने के लिए किसी और को दे दिया। ही ओन्स द होटल, चलाने के लिए किसी और को दे दिया। ही ओन्स द होटल, चलाने के लिए किसी और को दे दिया। अलाउड या डिस अलाउड? अलाउड या डिस अलाउड? अलाउड। वेयर द असेसी बिल्ड अ होटल ऑफ 2-स्टार और अबव कैटेगरी एंड सब्सिक्वेंटली वाइल कंटिन्यू टू ओन द होटल ट्रांसफर द ऑपरेशन देयर ऑफ इट शैल बी डीम टू बी कैरिंग ऑन द स्पेसिफाइड बिजनेस। इट शैल बी डीम टू बी कैरिंग ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस। यस ऑर नो? असेट्स एक्वायर्ड इफ एनी शैल बी यूज फॉर
स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली एंड बी होल्डेड फॉर 8 ईयर्स. जो असेट आप स्पेसिफाइड बिजनेस में क्लेम कर रहे हैं इसको 8 साल तक होल्ड करके रखना जरूरी है. इसको कितने साल होल्ड करके रखना जरूरी है? 8 साल तक के होल्ड करके रखना जरूरी है. अगर आपने कभी भी जल्दी बेच दिया तो फिर जितना डिडक्शन आपने 35 AD में क्लेम किया था माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन आपकी क्या मानी जाएगी? PGBP इनकम मानी जाएगी. डिडक्शन 35 AD लेस नोशनल डेप्रिसिएशन आपकी क्या मानी जाएगी बेटा? PGBP इनकम मानी जाएगी. क्लियर है ब्रो? हैशटैग ब्रो. दैट वाज 35 AD फॉर यू गाइस. और अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चनेयर पे. क्वेश्चन 2 करोड़ इनकर किए आउट ऑफ विच 1.5 करोड़ इज ऑन लैंड. हाँ तो लैंड का बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा? कंप्यूट द इनकम अंडर दैट ऑफ PGBP अज्यूमिंग दैट ऑल आर द कंडीशन सैटिस्फाइड एंड नॉट क्लेम एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ए पार्ट सी. द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ रनिंग दिस होटल इज 25 लाख. प्रॉफिट मिल गया आपको. Assume that he also have another existing business of running a 4-star hotel. The profit from these businesses is 120 lakh. Also assume capital expenditure were incurred by net banking. मतलब बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ये कह रहे हैं. प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से करें? प्रॉफिट दिया है आपको, प्रॉफिट में से डिडक्शन माइनस करेंगे. यस और नो? तो लिखिए पहले फॉर सूरज. सूरज हुआ बिजनेस में 23-24 कंप्यूटेशन पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज. यहां क्या आएगा बेटा? नेट प्रॉफिट. बोल मेरा बच्चा नेट प्रॉफिट कितना? बोल मेरा बच्चा नेट प्रॉफिट कितना? 25 लाख लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर. प्लीज EXP कुछ नहीं होता. 50 लाख्स हैशटैग ब्रो. हैशटैग ब्रो 50 लाख्स. दूसरा अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 CR माइनस 1.5 CR अगेन 50 लाख रुपीज. एवरीबॉडी, अरे एवरीबॉडी, टोटल 1 करोड़. 1 करोड़ में 7 0 होते बेटा. नेट लॉस कितने का आ गया तेरे को? इस लॉस का मैं क्या करूं? हमारे पास कोई सिमिलर बिजनेस है? अदर स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम. कितना है वहां से इनकम? 1 करोड़ 20 लाख्स. नेट PGBP आप बता सकते हैं ब्रो? इज इट 45 लाख्स ब्रो? ये आपका फाइनल आंसर. खुश हो जाओ, ये आपका आंसर करेक्ट है. नेट कितना है बेटा? 45 लाख. एक मिनट, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे. कॉन्सेप्ट समझ भी रहा है तो नोट्स नहीं लिखा है. नीचे नोट्स लिखो. एक्सपेंसेस ऑन लैंड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन. एक्सपेंसेस ऑन लैंड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन. बराबर है?
नोट नंबर टू, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस. लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस. डने भाई जी, वो जो 8 साल से पहले असेट बेच दिया तो पीजीबीपी इनकम आ जाएगी, उस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन लाके रखा है, क्वेश्चन नंबर 11. रीड एंड ट्राई टू सॉल्व. पहले रफ में सॉल्व करो फिर साथ में लिखते, लगे तो बुक के बाजू में ही तुम्हारे हिसाब से सॉल्व कर दो.
आया जवाब? जवाब आया, जल्दी बोलो। बोलिए साहब। हाँ जी, क्या लगता है? डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा नोशनल डिप्रिसिएशन? कितने सालों का माइनस करोगे? एक साल का? यस और नो? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कुछ याद नहीं आ रहा। ये रेट तो प्रॉब्लम में दिया नहीं था, आपने कहां से ढूंढा है मेरा बच्चा? याद आ रहा है ना, 32। इसलिए पहले 32 पढ़ना चाहिए, फिर 35 AD। ये उसका राइट सीक्वेंस है। सो क्या मैं कह सकता हूं 50 लाख माइनस 5 लाख 45 लाख? 45 लाख रुपीज को क्या माना जाएगा? डीम्ड इनकम। यस और नो? रजिस्टर में जाइए, रजिस्टर में लिखिए। इसको लिखने का तरीका बताता हूं। एज पर सेक्शन 35 AD, एज पर सेक्शन 35 AD, इफ असेसी ट्रांसफर कैपिटल असेट, इफ असेसी ट्रांसफर कैपिटल असेट इफ असेसी ट्रांसफर कैपिटल असेट विद इन 8 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, विद इन 8 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन then the deduction claimed under section 35 AD the deduction claimed under section 35 AD less depreciation for the completed years, less depreciation for the completed years shall deem to be income. Shall deem to be income. Yes or no? अब कैलकुलेशन दिखाओ। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD, लेस डेप्रिसिएशन। डिडक्शन अंडर 35 AD 50 लाख, लेस डेप्रिसिएशन 5 लाख, डीम्ड इनकम 45 लाख। सुनते हो? ये था प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट। उन्होंने ये भी पूछा है बी के हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा। उन्होंने क्या पूछा बेटा? बी के हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? अब बी के हाथ में प्राइस तो 45 लाख ही रहेगी। WDV ऑफ ट्रांसफरर, प्लीज राइट डाउन, प्लीज ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ, नेक्स्ट पैराग्राफ, फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, एक्चुअल कॉस्ट शेल बी, WDV ऑफ प्रीवियस ओनर, दैट इज 45 लाख। समझ में आया? 50 लाख में से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, जो WDV होगा वो सामने वाले के लिए हाथ में एक्चुअल कॉस्ट बनेगा। इस 45 लाख के ऊपर आप क्या क्लेम करेंगे बच्चा? डिप्रिसिएशन। एवरीबॉडी यस और नो? चलिए जी बच्चों, आज आप सबके लिए एक मैंडेटरी होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9। कल मैं इंडिविजुअली सभी का चेक करूंगा जितने बच्चे यहां पे बैठे हैं। मेरे को ये सॉल्व दिखा तो कल आप लेक्चर में बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे। ये एक मैंडेटरी क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एक असेसी, एक नॉर्मल बिजनेस, एक स्पेसिफाइड बिजनेस, और इस तरीके से कंप्यूटेशन करना है। सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट, और आपको ये सॉल्व करना है। इज दिस डन? चलो बढ़ते हैं आगे।
What has he done? Walk के आइए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर. आइए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर. आप एक चीज देख रहे हैं, हर वो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसके ऊपर एक क्वेश्चन लिए जा रहे हैं अपन. समझ में आ रही है बात? इसके अलावा भी आपके मन की इच्छा है, क्वेश्चन है इनमें भरपूर क्वेश्चन दिए हुए हैं. टोटल इनकम के क्वेश्चन बाकी है जो हम इस बैच में लेंगे, है ना. तो ऐसा नहीं है कि पीजीबीपी के इतने क्वेश्चन होंगे या कैपिटल गेन के उतने हुए आईएफओस. अभी तो टोटल इनकम वाले भी क्वेश्चन है जो मैं इस क्लास में कराऊंगा. चलो मेरे बच्चा बच्चे मेरे बच्चे नेक्स्ट सेक्शन पे आ. 8.15 पेज नंबर 8.15 40 स्मॉल ए इंपॉर्टेंट कलल का. चलिए सेक्शन 40 स्मॉल ए बताता है कौन कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर है जो अलाउड नहीं है और इसमें अमेंडमेंट हुआ है जो कंफर्म आएगा. इसमें अमेंडमेंट हुआ है जो कंफर्म आएगा, यस और नो. चलिए सबसे पहले कौन कौन से एक्सपेंसेस है जो अलाउड नहीं है. पहला सैलरी इंटरेस्ट रॉयल्टी पेड टू नॉन रेसिडेंट विदाउट टीडीएस. अगर आपने कभी भी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया, इसको हम 40AI भी बोलते हैं. अगर आपने नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया जिसपे आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, 100% डिसअलाउड. कितना परसेंट डिसअलाउड? 100% डिसअलाउड. ठीक उसी तरीके से आपने रेसिडेंट को पेमेंट किया विदाउट टीडीएस, 30% डिसअलाउ. कितना डिसअलाउ? 30% डिसअलाउ. सो 30% ऑफ द पेमेंट मेड टू रेसिडेंट विदाउट टीडीएस. याद रखिए बेटा, देने वाला जब भी देता टीडीएस काट के. तो अगर उसने टीडीएस नहीं काटा तो उसको एक्सपेंडिचर का रिडक्शन मिलने वाला नहीं है. एनआर के केस में 100%, आर के केस में 30%. फ्रिंज बेनिफिट टैक्स अब वर्क नहीं करता. आगे बढ़िए, इनकम टैक्स ऑब्लिक डिविडेंड टैक्स. इनकम टैक्स और डिविडेंड टैक्स दोनों भी पर्सनल नहीं, तुमने रोका ही नहीं, हम आगे बढ़ गए. आई मीन टू से तुम्हें बताना चाहिए था, स्पेसिफाई करना चाहिए था, तुमने रोका ही नहीं, हम आगे बढ़ गए. यस नो? इनकम टैक्स को कई सालों बाद अब समझ आया कि लोग क्या कर रहे हैं. इनकम टैक्स अलग, सरचार्ज अलग, सेस अलग. सरचार्ज और सेस का डिडक्शन ले ले रहे, इनकम टैक्स को डिसअलाउ हो जा रहा है. तब जाके इनकम टैक्स ने अमेंडमेंट लाया. अमेंडमेंट लाके बोला इनकम टैक्स विल इंक्लूड सरचार्ज एंड सेस. देख रहे हो, इनकम टैक्स को बताना पड़ रहा है कि ये इंक्लूड होगा. तो व्हाट इज अमेंडमेंट? जब हम इनकम टैक्स को डिसअलाउ करेंगे, हम सरचार्ज और सेस को भी डिसअलाउ करेंगे. अब एग्जाम में ही कैसे पूछा जाएगा? पीएनएल, इनकम टैक्स, सरचार्ज और इनकम टैक्स, सेस, तीनों को पकड़ना, एडबैक, तीनों को पकड़ना, एडबैक. इस तरीके से इसको पूछा जाएगा. समझ में आ रही है? बहुत छोटा सा अमेंडमेंट, नुसा अमेंडमेंट है, बट अमेंडमेंट है. और पूछने का तरीका ये होगा. वेल्थ टैक्स अगेन अ पर्सनल टैक्स, डिसअलाउड. रॉयल्टी फीस सर्विस चार्जेस पेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग टू स्टेट गवर्नमेंट. के आप तो अपनी बात करते हो, यहां तो स्टेट ने टैक्स के घपले कर दिए. सुनो, स्टेट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन होते थे. कैसे ड्रिवन? स्टेट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन. स्टेट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता था? महाराष्ट्र सुदगिरनी, चला महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही रही है. अब ये लोग क्या करते थे, वहां से प्रॉफिट कैसे निकालते थे? इन द नेम ऑफ रॉयल्टी. मतलब ये स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉफिट आता था, ये प्रॉफिट रॉयल्टी के नाम पे किसको चल जाता था? स्टेट गवर्नमेंट को. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट किया और बोले ये क्या हो रहा है. बोले सर ये तो रॉयल्टी है जो स्टेट गवर्नमेंट को जा रही. बोले अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट का ही अंडरटेकिंग, रॉयल्टी किसको दे रहा? स्टेट गवर्नमेंट को. ये तो ऐसी बात हो गई, प्रोप्राइटरी ड्रॉइंग निकाल रहा है. प्रोप्राइटरी क्या कर रहा है? ड्रॉइंग निकाल रहा है. तो प्रोप्राइटर और यहां पर क्या डिफरेंस हुआ? वो भी बिजनेस में पैसा लगाता, खुद निकाले, ड्राइंग डिसअलाउ. ये स्टेट निकाल ले, अलाउड. कोई सेंस है इस बात में? उन्होंने बोला स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग रॉयल्टी के नाम से दे, सर्विस चार्जेस के नाम से दे, या वॉट एवर नाम से दे. ऐसा कुछ स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है, नॉट अलाउड एज डिडक्शन. कलल का हो. आइए 40AI, एनी पेमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट
on which TDS is not deducted or TDS deducted but not paid before filing return, 100% shall be disallowed. 40A, IA, payment to resident made without TDS or on which TDS has been deducted but not paid to government, 30% is disallowed. IB, इक्वलाइजेशन लेवी. अब ये इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है जरा सुनिए. आप जब मेरे साथ सीए फाइनल में आएंगे, इंटरनेशनल टैक्स हम पढ़ते रहेंगे, न्यू सिलेबस में भी वही है, इंटरनेशनल टैक्स पढ़ते रहेंगे, तो इक्वलाइजेशन लेवी नाम का एक चैप्टर आता है. अब ये चैप्टर क्या होता है मैं फाइनल में आपको डिटेल में समझाऊंगा, हाल फिलहाल में मेरे को थोड़ा सा समझाने की जरूरत पड़ेगी. तो जब हम फाइनल पढ़ते रहेंगे तब देखिए होता क्या है, जो इंडियन रेसिडेंट है जब ये नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करता है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, डिजिटल एडवर्टीजमेंट या एनी अदर स्पेसिफाइड सर्विस. ओके कम ऑन, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, डिजिटल एडवर्टीजमेंट या ऑनलाइन सर्विसेज, कम ऑन वापस से, सीधे शब्दों में एकत्वम अकेडमी अगर गूगल को पेमेंट करता है, एकत्वम अकेडमी अगर गूगल को पेमेंट करता है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट या डिजिटल एडवर्टीजमेंट के लिए, यह पेमेंट अगर 1 लाख रुपीज के ऊपर जा रहा है, मात्र 1 लाख रुपीज के ऊपर जा रहा है, तो 6% का इक्वलाइजेशन लेवी करने की जरूरत है. रहता ये टीडीएस जैसा ही है, रहता ये टीडीएस जैसा ही है, बट इसको इक्वलाइजेशन लेवी का नाम दिया गया है, तो 6% का इक्वलाइजेशन लेवी लगता है. ये इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं किया, एक्सपेंडिचर 100% डिसअलाउ. एक्सपेंडिचर क्योंकि नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो विदाउट इक्वलाइजेशन लेवी, 100% डिसअलाउ. क्लियर है मालिक? 100% डिसअलाउ. डिडक्शन शैल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट. आपने फिर जिस साल एक्चुअली पे किया उस साल आप डिडक्शन लेकर के चले जाना. इसके बाजू लिख दीजिए रेफर टीडीएस, इसके बाजू में लिख दीजिए रेफर टीडीएस. यस, तो सेक्शन 40A प्रोवाइड अ लिस्ट कौन कौन से अलाउड नहीं है. रजिस्टर में जाइए, लिखिए सेक्शन 40A, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड. पहला, पेमेंट विदाउट TDS, पेमेंट विदाउट TDS, टिंग टोंग टिंग. 40AI, 40AIA, 40AIB. पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट ऑन विच TDS इज नॉट डिडक्टेड और TDS deducted but not paid disallowed is equal to 100%. यहां पे सेम वर्ड डालना, पेमेंट टू रेसिडेंट, बाकी दोनों पॉइंट सेम. Disallowed is equal to 30%. 40AIB, equalization levy not deducted, 100% disallow. Second, income tax including, मैं नहीं बोल रहा, वेल्थ टैक्स. थर्ड, रॉयल्टी पेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग टू स्टेट गवर्नमेंट.
कभी तो हाँ बोलो। धन्य बेटा, अच्छा ईमानदारी से एक बात बताओ, लगभग कुछ 19-20 लेक्चर पे हैं हम लोग, ईमानदारी से अगर ये फास्ट ट्रैक बैच नहीं होता, क्या 20 दिन में इतने टॉपिक पढ़ पाते? जेन्युइन फीडबैक चाहिए। देखो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं साहब, उतनी मेहनत हम भी कर रहे हैं। हो सकता है लोगों के हिसाब से हम कोई मेहनत ना कर रहे हो, बट जो सामने बैठा बच्चा है वो देख रहा है, ठीक है, राइट। एक बात समझिए साहब, कि कोई ऐसे ही ऊपर नहीं आ जाता, कईयों की गाली खानी पड़ती है। समझ आ रही है बात? बट हमें पता है आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। अब मुझे ये बात बताइए, अगर 20 दिन नहीं होते, आज जो डिसिप्लिन मैनर में एटलीस्ट 2 घंटा 3 घंटा जैसे जो टाइम मिला, ये आपकी अच्छी बात है कि जहां जहां एक्स्ट्रा टाइम मिला आपने हमें लेने दिया, शायद उस वजह से हम बैच भी थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर पाए। बट ईमानदारी से बताइए, क्या आपको इसका फायदा हुआ या नहीं हुआ? 100% एटलीस्ट रिविजन हो गया। वो 20 दिन बैठ करके आप एटलीस्ट ये श्योर हो सकते हो कि ये 60 मार्क्स तो भाई मेरे कन्फर्म है। यस, सो इस चीज के लिए बहुत मेहनत लगती है। मेरी एक बात समझिए, यू नो ये बहुत आसान है कि आना ले लेना, रिविजन ले लेना, बट ये पूरे बैच का ऑब्जेक्टिव बहुत डिफरेंट था। शायद अगर उस दिन अचानक से 2 बच्चे नहीं आते और उसमें से एक बच्ची का ये इशू नहीं आता, तो हम ये बैच भी फ्री ना करते। बट दैट हिट्स ऑन अ डिफरेंट मोड, और हमने को ऐसा लगा कि नहीं यार ये चीज़ होनी चाहिए। और आज मुझे इतना अच्छा लगता है क्योंकि कई बच्चों के मेरे को रोज मैसेज आ रहे हैं कि सर आपने ये लिया, ये बहुत अच्छा किया। अच्छा लगता है यार कभी किसी की मदद करके, बहुत अच्छा लगता है, राइट। बीइंग अ टीचर हम हमेशा एक पॉइंट पे नहीं सोचते, ये बच्चों का परसेप्शन है कि हाँ प्रॉफिट्स के लिए वर्क करते हैं, करते हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, कोई डिनाइल नहीं है, इसमें प्रॉफिट के लिए वर्क होता है, हम भी अपना घर परिवार लेकर के बैठे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी टीचर जो ये चीज़ करता है, इनफैक्ट अगर कोई रिविजन भी डाल रहा है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट, 2-2.5 घंटा निकाल करके कंटिन्यूसली बोल करके उस चीज़ के लिए मेहनत करना। समझ में आ रही बात? सो आई एम श्योर ये आपको बहुत बेनिफिट दे रही होगी, एंड मेक श्योर कि आप भी ये दूसरे बच्चों तक के एटलीस्ट कम्युनिकेट करें जो इस सब्जेक्ट में। सोच अगर 20 दिन तो ये 2 घंटा 3 घंटा जहां जो जैसा पॉसिबल हुआ, अगर तू नहीं बैठता तो एटलीस्ट तेरा ये सब्जेक्ट में भी, जैसे बाकी सब्जेक्ट में बैंड बच गई है, यस इसमें भी शायद बच सकती थी, बट एटलीस्ट ये है और ये कम्युनिकेटेड है। डन मालिक, चलो जी बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। आज के लिए बस हो गया क्या? आज के लिए बस हो गया क्या? ठीक है, बस फिर आज यही रुकेंगे। हमारा यहाँ पे जो बच्चा बैठा है वो कह रहा है नहीं सर आज बस हो गया, चॉकलेट डे है, मैं बिगाड़ना भी नहीं चाहता, इनको अपनी बाबू सोना जादू टोना के लिए चॉकलेट लेना होगा, राइट। चॉकलेट डे मनाइए अच्छे से। हाँ, अपकमिंग सैटरडे यहाँ पे कुछ टेक्निकल चेंजेस करने हैं, जिसके कारण ये लेक्चर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निकल चेंजेस करने हैं साउंड और बाकी चीज़ों को लेकर के। तो अपकमिंग सैटरडे ये आप लोगों के लिए एक रिविजन डे होगा, और किसी बच्चे का अगर बैकलॉग रह गया होगा किसी रीज़न की वजह से, तो बैकलॉग रिकवरी डे होगा। तो प्लीज इस चीज को देख लीजिएगा, सैटरडे को आपका लेक्चर नहीं होगा। डन मालिक। सर फिर संडे? संडे की बात मैं आज नहीं बताऊंगा। डन है बच्चा, सी यू, बाय बोलो बच्चों।